संध्या प्रवर्तते अरे चैन से सोने भी नहीं दे रही है तू। अरे सुबह हो गई है उठ। हाँ रात भर फोन में बात करती है, सुबह सोती रहती है। वेलकम ऑल बॉयज एंड गर्ल्स, आप सब इन पीजी गर्ल्स को देख रहे हैं ना, ये लोग तो फालतू हैं। इन्हीं पीजी गर्ल्स में दो स्पेशल लोग रेस्ट ले रहे हैं, उन दोनों का रूट ही सेपरेट है। अगर यकीन ना हो तो देखिए। हाथ हटाने को कहा तो पैर भी रख रहा है। तेरी तो इसका नाम है गौरी, थोड़ी सी पागल है लेकिन बहुत इंटेलिजेंट है। बीबीएम की पढ़ाई की है और अब एमबीए कर रही है। फिलहाल लव टीवी में एंकर बनकर 3 साल से काम कर रही है। बहुत ही फेमस है, हर कोई इसका फैन है, लेकिन गौरी को इंसान देखते ही एलर्जी हो जाती है। उसका कारण है उसके माता और पिता। गौरी के बड़े होते ही उन्होंने भागकर शादी की। कंफ्यूज मत होइए, अलग अलग शादी की। उस दिन से गौरी का दूसरे इंसान के साथ जमता ही नहीं है। थोड़ा टूथपेस्ट चाहिए था। कितनी खड़ूस है ना ये है जूजू। इसकी दुनिया बस यही है। ये जूजू को इतना चाहती है कि गौरी के लिए माँ बाप भाई बहन दोस्त सब ये जूजू ही है। इन दोनों में बहुत ही ज्यादा अटैचमेंट है। गौरी अपने जूजू के साथ कलरफुल वर्ल्ड में बहुत ही कूल तरीके से जी रही है, लेकिन हर इंसान में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होती ही है। गौरी का वन एंड ओनली वन प्रॉब्लम है। इस एरिया में नया हो क्या? हेलो गुड इवनिंग और नमस्ते, मैं आपकी प्यारी गौरी लव टीवी में आपके फेवरेट प्रोग्राम सुनो प्रेमियों में आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा सवाल ये है कि लड़के हमारे पीछे पड़कर आई लव यू कहें तो उस वक्त लड़कियों को आखिर कौन सा फैसला लेना चाहिए और कैसे रिएक्ट करना चाहिए? चलिए हमारा पहला कॉलर रेडी है, उनसे बात करते हैं। हेलो, कहाँ से बात कर रहे हैं और आपका नाम क्या है? हेलो हेलो बेबी, लव यू। आज का सवाल पता है आपको? रिपीट प्लीज। कोई लड़का अगर हमारे पीछे पड़कर आई लव यू कहे तो क्या बोले? तो आई लव यू। थैंक यू शोना, इतने दिनों बाद तुम्हें मुझसे प्यार हुआ है ना, इतना ही काफी है। लगता है आपका कान ठीक से काम नहीं कर रहा। मैं बात कर रही हूँ लड़कों के बारे में। अगर कोई लड़का आई लव यू कहे तो लड़की को कैसे रिएक्ट करना चाहिए? सिंपल है, तुरंत मांग कर किस कर देना चाहिए। सर कट करने के लिए बोल रही है। उसी की वजह से तो प्रोग्राम चल रहा है, डिमांडिंग है, चलने दो। ये तो आपका फैसला है ना। ये सिर्फ मेरे अकेले का फैसला नहीं है, जवान हुए हर लड़के का यही फैसला होता है। अच्छा ये बताइए आपके लिए कौन सा गाना प्ले करूं? आहा, कैमरे के सामने कितनी ब्यूटीफुल लगती हो मेरी जान। As usual, गौरी अम्मा तुम्हारा पति कौन है ये गाना बजाओ। हाँ बिल्कुल बजाऊंगी, सुनिए और एंजॉय कीजिए। हेलो हेलो बेबी, लव यू। फेशियल से पेडिक्योर तक सब कुछ करवाओ। तुम खूबसूरत दिखोगी तो मुझे अच्छा लगेगा ना। मुझसे परेशान होकर अगर गौरी को थोड़ा सा भी सुकून किसी से मिलता है तो उसकी वजह है जूजू, क्योंकि मैं डायनासोर को देखकर भी नहीं डरता लेकिन जूजू को देखकर मेरी निकल जाती है सूसू। जानते हो मुझे बचपन में तुम्हें कुत्तों से बच के रहना होगा, एक पंडित ने ऐसा कहा था, इसलिए तब से मैं कुत्तों को देखकर भयानक डर जाता हूँ। जब भी गौरी के पीछे मैं होता हूँ तो मेरे पीछे होता है जूजू। अब मुझे छोड़कर इस कहानी में आने वाले मेन कैरेक्टर्स को देख लीजिए, हमारी जिंदगी में क्या होने वाला है देखते रहिए, पता चल जाएगा।
नमस्ते, मैं हूँ आपकी प्यारी गौरी। लव टीवी पर सुनो प्रेमियों प्रोग्राम में वैलेंटाइन्स डे स्पेशल में आपका स्वागत करती हूँ। तो हमारा आज का सवाल है, प्यार में एक भ्रष्ट प्रेमी क्या बातें करता है और प्यार में बेस्ट प्रेमी क्या बातें करता है। आपका जवाब एक ही लाइन में होना चाहिए, मगर आप सबके जवाब अलग अलग होने चाहिए। आज के इस स्पेशल एपिसोड को जज करने आए हैं स्पेशल गेस्ट, सो प्लीज वेलकम आवर स्पेशल जजेस। हेलो हेलो, हे बलून्स इतने ही हैं क्या? पीछे से एम्प्टी दिख रहा है सर। हाँ बोलिए। प्यार के लिए अपनी जान देना एक सच्चे प्रेमी की निशानी है, जान के लिए प्यार का बलिदान भ्रष्ट प्रेमी की निशानी है। वेरी गुड, नेक्स्ट। पास रहना हर एक प्रेमी को पसंद आता है, लेकिन दूर रहने में हर प्रेमी को कष्ट होता है। ये तो ठीक है, लेकिन ये कोई ऐसा आंसर नहीं है जिसे ना मिले। आप में से कोई तो एक होगा जो बेस्ट आंसर देके वैलेंटाइन का प्राइज जीत सके। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। आई लव यू, बट ये एक भ्रष्ट प्रेमी की बात है। बट आई लव यू, ये एक बेस्ट प्रेमी की बात है। नहीं समझे क्या? मैं तुमसे प्यार करता हूं, मगर जाति धर्म भेद अंतर ये सब भ्रष्ट प्रेमी की बात है। जाति धर्म नीति जायदाद, बट मैं तुमसे प्यार करता हूं ये एक बेस्ट प्रेमी की बात है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लव यू बेबी। हे यंग मैन, कांग्रेट्स। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सिर्फ कांग्रेट्स बोलने से नहीं चलेगा, मेरी एक इच्छा है सर, ये गौरी मेरी फेवरेट, मैं इसका बहुत बड़ा फैन, रोज फॉलो करता हूँ ना सर, इनके हाथ से प्राइज लेना मेरा ड्रीम है सर। अभी जो प्राइज जीता है वो इनके हाथों से दिलवा दीजिए ना। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। थैंक यू सर। हाँ थैंक यू, बहुत अच्छा था। हाँ छोड़ो, डायलॉग बोलकर मैंने अपना टैलेंट प्रूव किया है, इतनी आसानी से कैसे छोड़ दूं। लव यू, कांग्रेचुलेशंस। कैमरे के बाहर भी तुम बहुत ही अच्छी दिखती हो मेरी जान, तुम्हारी लिप्स भी बहुत अच्छे हैं जानू। हाँ छोड़ो, मैं मार खाओगी मेरे। अरे क्यों इतना परेशान हो रही हो, तुम्हारे हाथ पकड़ने से मुझे कितना मजा आ रहा है जानती हो। तो ये है लकी की जिंदगी। लकी की जिंदगी में सिर्फ दो ही गोल हैं, पहला मालूम नहीं लेकिन दूसरी गौरी। यू वॉन्ट टू सी, वॉच इट। दिस इज फॉर यू, फॉर यू एंड यू। Thank wow, you. Cool dress, dude. Oh yeah, thank you. Hey, you have a great taste, huh? I'm lucky. You? Amy. You? Megha. You? Remy. Oh, good. सब ओके है, लेकिन डिटर्जेंट सोप के ऐड के लिए इतना सारा गेटअप क्यों? मैंने एटलीस्ट तुम्हें इतने कपड़े तो पहनाए हैं, लेकिन वो डब्बा डायरेक्टर बिकनी पहनाकर कपड़े धुलवाना चाहता था। So silly, ना? I know. मैंने आपको पहले कहीं देखा है? देखने का चांस ही नहीं है। आई वॉज इन हॉलीवुड। हॉलीवुड? या हॉलीवुड। अंग्रेजों के साथ काम कर करके मैं परेशान हो गया हूँ, इसलिए मेरा टैलेंट मेरे ही देश में प्रूव करने के लिए मैं आ गया हूँ बॉलीवुड। हर कोई यहाँ से वहाँ जाना चाहता है, तो फिर आप वहाँ से यहाँ क्यों आ गए? मैं ऐसा ही हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट हूँ। आप अपना डायलॉग पढ़ो। कैन आई हैव योर नंबर? सेल फोन? मी? आर यू किडिंग? भीख मांगने वाले के पास भी मोबाइल रहता है, तो मैंने तो यूज करना ही छोड़ दिया। जब मैं यूज करता था तब 32 रुपीस आउटगोइंग, 16 रुपीस इनकमिंग। हे आई एम गेटिंग अ सैट फोन, सैटेलाइट फोन। हेलो, बिल भरेगा या फोन कट कर? सर इस बार पक्का भर दूंगा सर, काटना मत प्लीज प्लीज। हमेशा यही बोलते रहते हो तुम। सर सर प्लीज सर, ऐसा मत कीजिए, कट मत कीजिए प्लीज सर। पहले बिल भरो, उसके बाद फोन का इस्तेमाल करो। इंटरेस्टिंग, वैसे तुम्हारे डैड क्या करते हैं? माय डैड ओन्स अ ग्रेनाइट फैक्ट्री। What about your mom? माँ तो बहुत बिजी है, मना करने के बाद भी समाज सेवा करती रहती है। आपके पास इतना है तो आप खुद ही ऐड क्यों नहीं डायरेक्ट करते?
Are you kidding? इस फालतू से ऐड को मैं डायरेक्ट करूं? ये डब्बा ऐड बनाने के लिए डब्बा डायरेक्टर है ना? हेलो, डायरेक्टर आ गए? या स्वीडी, उस डायरेक्टर को ही तो मैं डब्बा कह रहा हूं। उसे कोई डायरेक्टर बोलेगा तो वो डायरेक्टर पद का ही अपमान होगा। वो तो एक फालतू डब्बा है, वेस्ट बॉडी है। ओहो डायरेक्टर, अब सब रेडी है सर? आपके बारे में ही बात कर रहा था। हाँ सुना मैंने, मेरे ही बारे में बात कर रहा था तू। सर वो गेट लास्ट। आनंद, आनंद, यहाँ आनंद कौन है? ए, वो तुझे ही बुला रहे हैं। ये है मिस्टर आनंद। बेचारा अपना नाम ही भूल गया। लोग किसी और नाम से इसे बुलाते हैं। अब वो क्या नाम है अभी पता चल जाएगा। ये लीजिए सर। नमस्ते सर। नमस्ते। SSLC में 625 में 420। PUC में भी 600 में 420। सर मैंने रिवॉल्यूशन लिखा, फिर मुझे 5 मार्क्स ज्यादा मिले थे। अगर ऐसा है तो 425 होना चाहिए था ना। बाद में इंग्लिश में 5 मार्क्स कम हो गए, वापस से 420 हो गया सर। इट्स नॉट माय मिस्टेक सर। सर 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 डिग्री के मार्क्स देखिए ना सर। उसे देखने की जरूरत नहीं है मुझे, उसमें भी 420 ही होगा। क्या सर, बिना मार्क्स कार्ड देखिए आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? आपका चेहरा ही देखकर पता चलता है। प्लीज लीव। सर नौकरी मिलेगी ना? नौकरी वोकरी कुछ नहीं, चलो। सर मेरे मार्क्स अच्छे नहीं है क्या? मार्क्स तो अच्छे हैं, हाँ? लेकिन आपके जो नंबर्स हैं वो अच्छे नहीं है। 420। सर मेरी बात सुनिए। टाइम क्या हुआ? 420। आपने बुलाया you सर? गेट आउट। एए, ओवर, बहुत ओवर कर रहा है तू। रिलैक्स डूड, चिल। एए, पागल कहीं के, मेरे सामने स्टाइल मत मार। एक तो नौकरी नहीं मिली इसलिए मैं टेंशन में, ऊपर से ये होशियारी दिखा रहा है। अबे 420, तुझे इस जन्म में तो नौकरी नहीं मिलने वाली। ले अब तू रोज बस एक ही काम कर, इस प्लेट की सफाई करता जा। जैसे लोग तुझको ना बुला बुला के सामने से नौकरी दे रहे हो। हेलो, तू भी रिजेक्ट हो गया है, इसीलिए तुझको मिली है सिर्फ ये बकवास प्लेट। ए, इस प्लेट को तू बकवास कह रहा है? 200 साल पुराना एंटिक पीस है ये। वैलेंटाइंस डे में ये प्राइज रखा था तो मैं जीत कर आया था, पता है? और इसका फीचर ये है कि ये मुझे मेरी गौरी ने अपने हाथों से दिया। विंबलडन प्लेट से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ए लकी यार, हमें आखिर नौकरी कब मिलेगी? नौकरी? हाँ, हमें नौकरी की क्या जरूरत है? हाँ? हमारे लिए नौकरी करने वाला एक है ना। हाँ? कहाँ है वो, अभी तक आया नहीं? हाँ? रीटा प्लीज मना मत करना, ये गिफ्ट ले लो। देखो अंश, मैं अभी बता देती हूँ, अगर तुम मुझे ये गिफ्ट देना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ US आना होगा। यहाँ सब कुछ छोड़ के कैसे आऊँ? क्या है यहाँ, उन छपरियों को छोड़ कर नहीं आ सकते क्या? वो लोग मेरे फ्रेंड्स हैं यार। वो लोग मुझसे बढ़कर हैं क्या? देखो अंश, या तो मैं या वो लोग, डिसाइड कर लो। अरे यार, यहीं कहीं रखा था। यार मेरा अंडरवियर नहीं मिल रहा है। क्या अनुमान, आज लेट हो गया? ये क्या, रूम को इतना गंदा कर दिया, थोड़ा साफ नहीं रख सकते? अबे 420, ये बड़ा साहब नीटनेस के बारे में बात कर रहा है। अरे हनुमान, तेरी नीटनेस के बारे में हमें सब कुछ पता है। पुराना स्कूल। राम भक्त हनुमान। राम भक्त हनुमान। जिस दिन तेरी नाक बहनी बंद होगी उसी दिन तुझे क्लास में बैठाऊंगा। तू, तेरी तो स्कूल के वक्त तेरा नाक पूरा का पूरा भरा रहता था और हमें नीटनेस सिखा रहा है। तुम लोगों को नीटनेस सिखाएगा? अबे नाक से नदी बहाने वाले, इधर आ। अरे अभी तक सोए हो? अरे उठो जरा, दुनिया देखो। ए हनुमान, जाकर अपना काम देखना। मैं जो दुनिया देख रहा हूँ ना, वो तूने नहीं देखी है। ए लकी, तुझसे कुछ बोलना बेकार है। देख, जहाँ जहाँ इंटरव्यूज है सारी डिटेल्स इस पेपर में है, इंटरव्यूज में जाओ, मिस मत करना यार। यार लकी, और टाइम पे खाना खा लेना। हाँ, ये पैसे कहाँ रखूँ? पेपर वहाँ पे रख, पैसा यहाँ पे रख। घूर क्या रहा है बे, मेरे पैर के पास पैसे रख, आशीर्वाद ले और चला जा। जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर। जब देखो बकवास करता रहता है। अरे क्या डिस्टर्ब कर रहा है यार तू मुझे। और सुन, जाते समय ना भगवान के सामने हाथ जोड़ के जाना, अच्छा होगा। अबे चुपचाप जाना यार, अगर भगवान के सामने हाथ जोड़ने के बाद सब कुछ ठीक होता तो सारे पंडित अंबानी के रेंज में रहते। भगवान बोल रहा है, भगवान। अबे क्या कर लेगा तेरा भगवान, पत्थर के सामने हाथ जोड़ते हैं सब लोग। हट।
जय पीएमटीसी। अरे नीचे उतार। व्हाय? हम जैसे स्मार्ट लोग बस में चढ़ नहीं सकते क्या? ये लेडीज बस है, जेंट्स नॉट अलाउड। हाँ सही बात है, ऐसे कैसे चढ़ सकता है? पागल ही लगता है। ओ बस एक मिनट, ये बुके देकर उतर जाऊंगा। समझ में नहीं आता, तुझे कॉमन सेंस नाम की चीज नहीं है क्या? प्लीज मैडम एक मिनट। प्लीज वेस, कुछ नहीं, नीचे उतर। एक बार बोला ना जेंट्स नॉट अलाउड, पता नहीं कहाँ से आ जाते। मैं मर्द हूँ, ये किसने कहा? मजाक कर रहा है ना तू? अरे तुझे देख कर ही पता चल रहा है। क्या देखने से पता चल रहा है? देख मजाक मत कर, देखने से पता चल जाता है। वही तो, क्या देखने से पता चलता है? स्टॉप। चुप, थोड़ा पीछे कर के। सी यू बेबी। कैसे बात कर रहा था ना, देखने से पता चल जाता है। वही तो, क्या देखने से पता चलता है, बताया नहीं। ओके बंटी, आपके लिए एक सॉन्ग प्ले कर रही हूँ, सुनिए और एंजॉय कीजिए। हाँ मैंने उसको स्क्रिप्ट भेज दी है, जैसे ही कास्टिंग फाइनल हो जाएगी वो मुझे बता देगा। हेलो। हेलो गौरी, जूजू बहुत ही डल दिख रहा है, उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, वो कुछ खा पी भी नहीं रहा है। ठीक है मैं आ रही हूँ। नो दैट आई विल चेक, डोंट वरी। हे क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? एनी प्रॉब्लम? आई एम सॉरी, मेरे जूजू की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे जाना होगा। ओह ठीक है, प्रोग्राम खत्म करके चली जाओ। वो आई एम सॉरी पर मुझे अभी जाना होगा। hey, लाइव कवरेज चल रही है, ऐसे बीच में थोड़ी छोड़ के जा सकती हो। आधा घंटे की तो बात है, करोड़ों लोग देख रहे हैं इसे। मुझसे नहीं होगा, मुझे अभी जाना है। hey, आधा घंटा लेट होने से तुम्हारा कुत्ता मर नहीं जाएगा, और अगर वो मर भी गया तो मैं तुम्हें दूसरा ला दूंगा ना, प्रोग्राम नहीं रुकेगा। चलो। अगर तुम्हारा बेटा मर जाएगा तो वो भी दूसरा ले आओगे? What rubbish are you talking? अपने कुत्ते का कंपैरिजन मेरे बेटे से कर रही हो? तुम्हारे लिए जितना तुम्हारा बेटा इंपॉर्टेंट है, उससे भी ज्यादा मेरा जूजू है। तुम्हारी ये नौकरी, ये चैनल, नथिंग इज इन फ्रंट ऑफ माय जूजू। यार लकी, तेरी लव स्टोरी भी बड़ी अजीब सी है। आजकल तो काले पीले लोग भी लड़कियां पटा लेते हैं, और तू देखने में इतना अच्छा है, फिर तेरे से वो लड़की क्यों नहीं पट रही है बे? क्या कर सकते हैं लकी? लकी एक सुपर आइडिया है। क्या है? सुन, सीन नंबर वन, इस एरिया के अंदर मैं कुछ लोगों को सेट करता हूँ। सीन नंबर टू, जब गौरी तेरे साथ आएगी तो वो लोग उसको छेड़ेंगे। सीन नंबर थ्री, तेरी हीरो की तरह एंट्री होगी और तू फाइट करेगा। सीन नंबर फोर, हमेशा की तरह हीरो हीरोइन को पटाकर ले जाएगा। कैसा लगा आइडिया? पुरानी फिल्मों का बेकार आइडिया दे रहा है। आज के जमाने में सिनेमा नहीं चल रहे तो सिनेमा का आइडिया चलेगा क्या? अबे वो गौरी है, कोई फालतू लड़की नहीं है, बहुत ही डेंजरस है, ऐसे आइडिया से नहीं पड़ेगी। देख तू फालतू की बकवास मत कर, सिनेमा में ये आइडिया कामयाब होता है। मेरी बात मान, इस आइडिया को इस्तेमाल करके कभी ना पटने वाली हीरोइन भी हीरो से पट जाती है, और फिर रोमांटिक गाना होता है। जैसा बोलता हूँ तू वैसा कर। हेलो बेबी, लव यू, मैंने मैंने हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आज मेरा बर्थडे है, ये किसने कहा तुमसे? मैंने गेस किया, क्योंकि मुझे ड्रेसिंग सेंस और गेसिंग सेंस कुछ ज्यादा ही है। नॉनसेंस, आज मेरा बर्थडे नहीं है। सो व्हाट, मैं रोज तुम्हें विश करता रहूंगा, कभी ना कभी तो तुम्हारा बर्थडे आएगा ही ना। ब्रो, बर्थडे आज मेरा है, उसका नहीं है, नंदू का है। 420 ने सुपर्ब सेट अरेंज किया है, ज्यादा ही बिल्ट अप करना पड़ेगा। आए हुए तूफान को करके रोक दूंगा। अगर आग की बारिश हो तो उसका सामना करते हुए अम्ब्रेला पकड़कर माइल्ड मेंटेन करता हूँ, टेंशन नहीं लेता हूँ। लेकिन गौरी को अगर तूने छेड़ा तो तेरी हे 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 वाइल्ड बन जाऊंगा। हेलो या? दरअसल वो सब लोग मुझे नहीं चिढ़ा रहे, तुम्हें चिढ़ा रहे। सो व्हाट, मुझे चिढ़ाने दो या तुम्हें चिढ़ाने दो, दोनों तो एक ही बात है ना। देखते रहना, अभी मैं एक एक को कैसे फटकाता हूँ। हेलो हैंडसम। या बेबी, तुम्हें नहीं, यू। मी? यस यू हैंडसम। इसकी हरकतों को रोकने वाला कोई भी नहीं आया, कुछ ज्यादा ही उड़ रहा है ये। पर आप लोग भले इंसान लगते हो, सिर्फ इसका क्या करना है देख लीजिए। आ
आज के ही दिन का इंतजार कर रही थी मैं कब से। तो बुरी तरह मार खाए और मेरी आंखों को वो देखकर सुकून मिल जाए। देखोगी जानू देखोगी, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी, लेकिन वो लोग मुझे नहीं उन लोगों को मार खाते हुए देखोगी। चलो आ जाओ, कौन किसको मारेगा इस बात का यही फैसला कर लेते हैं। इतना मोटा है, तेरी माँ तुझे क्या खिलाती है? ए फाइट मत करना। अरे बाप रे, खून खून आने के बाद ही तो हीरो मारता है ना, ये तो मैंने सिनेमा में देखा है। ए ए ए ओए, मार खाने के लिए पैसे लिए ना, तो अभी मार खाने का। मैं मार खाऊंगा तेरी तो। अरे कहाँ मिस हो रहा है यार। ओ, ये बात है। अरे छोड़ 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 मुझे छोड़। अरे मेरा पैंट। आजा आजा, मारेगा मारेगा, आजा आजा मार मुझे मार। ए होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन, नहीं 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 नहीं, अरे छोड़ो। ओ माँ, अरे बाप रे, क्या करूँ? नहीं, ओ माँ। कितना ड्रामा करता है ये? ओए, ओए, हाय। कैसी लगी जानू मेरी फाइट? इतने दिनों तक तो भगवान ने तुम्हें मेरा डेंजर सॉन्ग देखने का मौका दिया ना, अब फाइट देखने का भी मौका दे दिया। यू नो व्हाट,
सच कहो तो लकी मैं नहीं, लकी तुम हो। या नहीं तो और क्या। अब जल्दी से बता दो तुम्हारा बर्थडे कब है, वरना मैं रोज आकर तुम्हें ग्रीटिंग देकर करता रहूंगा हैप्पी बर्थडे। बर्थडे उसका नहीं, मेरा है। आप टेंशन मत लो बॉस, ये लड़के लोग बहुत सुपर फाइट करते हैं, दिखने में छोटे लगते हैं बस। सॉरी बॉस, बार खुलने में थोड़ी देर हो गई, इसलिए मुझे आने में भी थोड़ी देर हो गई बॉस। कैसा लगा? अपना गैंग बिल्कुल मस्त है बॉस, बहुत फिल्मों में ऐसी एक्टिंग की, चाहो तो देख लो बॉस, दिखाता हूँ। अबे अबे अभी मारा नहीं, ओवर एक्टिंग मत कर बे, कूल 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 है। आप टेंशन मत लो बॉस, हमें कितना भी मारो चलेगा, बस आपकी गर्लफ्रेंड पट जानी चाहिए बॉस, क्योंकि अपना तो मकसद ही है कि आदमी का काम बन जाए। Some chief fellows are... आज तक ये सब मैंने फिल्मों में होता हुआ देखा है, पर तुम तो फिल्मों से भी दो कदम आगे हो। You just go to hell, stupid। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। सही प्लान किया था। क्या कर रहा है यार? इधर अरे जा, पूछ क्या कर रहा है। अरे भाई भाई मेरे पास गलती से मिस हो गया, गलती से मिस हो गया, मिस हो गया। मुझे वहां तूने बेवकूफ बना दिया ना। मैं छोड़ दे बार, बेचारा हूं मैं, बेचारा हूं। अच्छा बेचारा है तू, बेचारा है क्या? तेरी तो मत मार यार, प्लीज तेरी वाट लगा लो। क्या है? I'm sorry, Lucky. मेरे आईडिया की वजह से तुझे सच में फाइट करनी पड़ी यार। फाइट छोड़ यार। अब इस फाइट में तुझे चोट लगी क्या? वो चोट? उस फाइट में तुझे चोट लगी क्या? मुझे पूरा यकीन, जिंदगी में तुम दोनों के सुधरने का कोई लक्षण नहीं दिख रहा है। कैसे दिखेगा? पी कर तू टल्ली हो गया है, तेरी आंखें पूरी लाल हो गई है, लेकिन हमारा फ्यूचर हमको पूरा ब्राइट दिखाई दे रहा है। मेरी लाइफ में सिर्फ एक ही टेंशन है यार। तो खुद टेंशन है बे। चुप। तुम दोनों को सेटल होना है यार। हम हो जाएंगे, तू अपना देख ले। देख तो लूंगा, पर तुम दोनों को बुरा लग सकता है। बुरा क्यों? किस लिए? कल सुबह मैं रीटा के साथ यूएसए जा रहा हूँ। जा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ हमेशा रहेगा। वहाँ जाने के बाद मेरी हेल्प चाहिए तो मुझे फोन करना, शर्माना मत। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ये सुन के तुम्हें कुछ फील नहीं हो रहा है? फील? कैसा है रे ये? फील होने के लिए तू ऊपर जा रहा है क्या? जा बे जा। यार तू चिकन खाएगा या चिप्स खाएगा? हाँ चिकन ही खा लेते हैं, चिकन तंदूरी। हनुमान रुको, ए हनुमान तेरा जाना जरूरी है क्या? लकी मैं जा रहा हूँ। अरे क्या हनुमान, कल रात से तू गया ही नहीं क्या? चल जल्दी जा यार। हनुमान हनुमान क्या हुआ? लकी अब हम क्या करेंगे? कुछ करना होगा। रात की जो बची हुई है वो लेके आ। कहाँ चलेगी, दिख नहीं रही है, घर तो यही है ना उसका। चलने का, लड़की के पीछे भागेगा तो तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अच्छा हुआ उसने देखा नहीं। गौरे गौरे गौरे, सॉरी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हे गर्ल्स, व्हाट्स हैपनिंग? Who's this guy? Universal problem, love problem. Hey, what are you doing? What's your problem, yaar? That oh my god! Save me, girls! Gore! 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 Hey, Gore! You are very chalak. Today, you have to decide something. Do or die, love or live. What is it? सुबह सुबह पी कर आए हो क्या? हाँ और क्या, तो क्या कर लोगी? तुझ जैसी लड़कियों के सामने दारू पी के आओ तो ही समझती है। सभी लड़के आईएएस एग्जाम का प्रिपरेशन करने की तरह प्रिपेयर होके आते हैं और आई लव यू बोलते हैं, तो तुम पानी पीने जितना आसानी से नो कह देती हो। हम लड़कों के बारे में क्या सोच के रखा है? लड़कियों के लिए हमने ताजमहल बना के रखा है, ताजमहल, कुतुब मीनार बनाया है,
गोल गुंबद बनाया है, मंदिर बनाया है और बहुत कुछ बनाया है, मुझे याद नहीं आ रहा है तुमने हमारे लिए क्या बनाया। खाली हमारा बैंड बजाया, हमारा दिमाग खराब करके, गले तक पिलाकर, इनडायरेक्टली हमारे हाथों से बाहर खुलवा दिया। हम पी पी कर हमारी किडनी लीवर डैमेज होने के बाद हमारी समाधि बन जाती है। अरे कैसी लड़कियां हो तुम? ये कौन है पागल कहीं का? अरे क्यों ऐसे घूर रही है? हाँ ओ तू बहुत फेमस है, तेरे बहुत सारे फैंस हैं, गांव की तू एक ही राजकुमारी है क्या? ए, 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 मैं भी कुछ कम नहीं हूँ, मेरे पीछे बहुत लड़कियां पड़ी हैं, लेकिन मैं तेरे पीछे पड़ा हूँ। देखो यहाँ से चुपचाप चले जाओ वरना बहुत बुरा होगा। धमकी दे रही है क्या गौरी? आज कुछ ना कुछ एक डिसाइड करना ही है, कौन आकर क्या कर लेगा ये मैं देखता हूँ। ए आ जा बे। आजा बे आजा आजा, इतना सब रेडी करके आया हूं तो तुझे कैसे भूलूं? टेक दिस हड्डी एंड कीप क्वाइट योर डर्टी डॉग। शनिवार है, नॉनवेज नहीं खाएगा लगता है। वेज भी है। अबे अपना दिमाग घर पे छोड़ के आया क्या? तो ये पड़ा हुआ है लकी ऊपर उठेगा या नहीं, उठेगा या नहीं, लेकिन नहीं। हनुमान जब से लकी को छोड़कर गया है तब से बेचारे की लाइफ ब्लैक एंड ब्लैक हो गई है। किसी दूसरे के पैग में जीने वाला लकी कंगाल हो गया है, मगर एक्स्ट्रा चर्बी बिल्कुल कम नहीं हुई है। उसे लगता है कि कंपनियां उसे नौकरी देने के लिए आंखें बिछाए बैठी हैं। ये लकी आपके पास नौकरी ढूंढते हुए आया है, तो ये आपका लक है, काम दे दीजिए, ओवरनाइट में आपकी कंपनी को मैं डेवलप कर दूंगा। कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो, यहाँ कोई नौकरी नहीं है, जाओ। धीरे धीरे नौकरी मांगने का तरीका बदलता हुआ नजर आ रहा था लकी का। सर आपकी कंपनी में काम दे दीजिए, मैं सिंसियरली काम करके आपकी कंपनी का नाम रोशन कर दूंगा। सर हमारी कंपनी का अच्छा नाम है, अरे तू क्या रोशन करेगा। आखिर तक तो लकी बेचारा नौकरी की भीख मांगने पर भी उतारू हो गया था, और ये 420 तो कितना भी रगड़ ले, लेकिन इस जन्म में तो नौकरी मिलने से रही उसे। क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो वो अपना सामान बेचने लगा, लेकिन गौरी का भूत उसके सर से नहीं उतरा। भिखारी हो चुका लकी गौरी के लिए रोज एक गुलाब खरीदता था, आंखों के सामने से जाती थी गौरी, लेकिन नहीं 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 नहीं, पहले काम फिर गौरी, ऐसा सोचने लगा था लकी, मगर बेचारे को कोई नौकरी नहीं मिली। गौरी से शादी करके एड कंपनी में काम करने की सोचने वाला लकी बहुत बेकार की जिंदगी जीने लगा। इन 6 महीनों में बेचारा बिल्कुल फुटपाथ पर आ गया, लेकिन एटीट्यूड तो एटीट्यूड होता है बॉस। लकी 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 लकी, तूने पेपर देखा तूने? क्यों सरकार गिर गई क्या? अरे नहीं यार, तेरी नौकरी की बात है। अरे वो सब तो वेस्ट है, आजकल तो सब एक्सपीरियंस मांगते हैं। इस नौकरी में एक्सपीरियंस की जरूरत ही नहीं है। हाँ हाँ, ढेर सारा पैसा, तेरे मन पसंद वाली नौकरी है ये, आर्ट डायरेक्टर की पोस्ट है यार। देख
ये जॉब तेरी लाइफ बना देगी यार, ये गोल्डन चांस है भाई। देख शैमिका क्रिएटिव सॉल्यूशंस मस्त है ना। हेलो, अंदर कहाँ घुस रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें? इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। इंटरव्यू इस हालत में? हाँ लकी, मैं तो बहुत ही मॉडल हूँ, एडजस्ट करना पड़ेगा। सॉरी, मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दे सकता। Why? What's wrong, man? ऐसे चम-चम करके आने वाले लोगों को हमारी कंपनी में एंट्री नहीं। Hey, this is not चम-चम, this is style, fashion. मैं यहाँ डायरेक्टर के पोस्ट के लिए आया हूँ, तुझे समझ में नहीं आएगा। Side, please. Hello. मैंने तुम्हें अंदर जाने दिया तो लोग मुझे बाहर निकाल देंगे। Look, I'm a creative person. मैं बहुत दिमाग चलाता हूँ। दो मिनट के लिए अपने बॉस के पास छोड़ दिया तो ऐसे नौकरी लेकर आ जाऊंगा। हेलो, हमारी कंपनी बहुत रेपुटेटेड है, यहाँ काम करने के लिए बहुत सारे रूल्स हैं, पढ़ लो। वहाँ देखो हमारे एम्प्लॉयज कितने जेंटलमैन दिख रहे हैं। ऐसे बन के आओगे ना तो काम छोड़ो, कोई अंदर भी नहीं जाने देगा तुम्हें। भैया। बोलो भैया। मुझे नौकरी की सख्त जरूरत है, बहुत मुश्किल में हूँ भाई। खाने को भी पैसे नहीं है, अगर अंदर छोड़ोगे तो नौकरी लेके आ जाऊंगा। भगवान के लिए अंदर जाने दो। देखने में उल्टे सीधे जरूर हो, लेकिन लड़के अच्छे हो तुम। एक काम करो, कल भी यहाँ ऐसे ही इंटरव्यू होगा। अगर तुम यहाँ काम करना चाहते हो तो अपना ये हुलिया बदल देना और अच्छे से आना, तो मैं तुम्हें अंदर जाने दूंगा। देखो रूल्स रूल्स होते हैं भाई। प्लीज भाई। ये क्या हाल हो गया यार। अभी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नौकरी मिलनी बहुत जरूरी है, और नौकरी मिलने के लिए तो अपनी ये पर्सनालिटी को बदलना होगा। अरे यार, ये अंकल लोगों जैसा फॉर्मल पहनना होगा, बाल कट करने होंगे। मेरी दाढ़ी भी हटानी होगी यार। क्या कर सकता हूँ, अगर नौकरी चाहिए तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। Good morning, ma'am. Good morning. भाई। तुम फिर से वापस आ गए? अभी जो लड़की अंदर गई वो कौन है? इस कंपनी के एडवर्टाइजिंग मैनेजर। अच्छा, मैंने उसे एंकर गौरी ही समझा था। एंकर गौरी ही है वो। वही हमारी कंपनी में नई एडवर्टाइजिंग मैनेजर बनकर आई हैं। कल तुम्हारा इंटरव्यू वही लेंगी। उनकी यहाँ से तुम्हारी नौकरी पक्की। क्या कहा? उनकी यहाँ से तुम्हारी नौकरी पक्की। उनकी यहाँ से तुम्हारी नौकरी पक्की। वो तुझे नौकरी देगी? वो तो सच है यार। मेरी डार्लिंग मुझे देखते ही सांप की तरह फुफकारने लगती है, नौकरी क्या देगी? अबे तूने क्या किया याद है? दिन रात उसके पीछे पड़ के उसको कितना परेशान किया है तूने। तो अब क्या करें? क्या करेगा अब? गौरी भी चाहिए, नौकरी भी चाहिए। डोंट वरी, जब सारे दरवाजे बंद होते हैं तो एक खिड़की खुल जाती है। खिड़की? वो कहाँ है? खिड़की का मतलब आइडिया। कैसा आइडिया? देख, गौरी तुझे पहचान ना पाए और तुझे नौकरी भी मिल जाए, तुझे बस गेटअप चेंज करना होगा। अबे चप्पल से मारूंगा तुझे, क्या पुराने फिल्मों का आइडिया दे रहा है तू। Old is gold, my dear. तुझे कितनी बार बताऊं यार, गौरी के सामने ये सब वर्कआउट नहीं होगा, वो सामान्य लड़की नहीं है। अरे बकवास मत कर, वो असामान्य भी नहीं है। देख लकी, तेरा असली नाम है विक्की कुमार, मार्कशीट में भी यही नाम लिखा है। तेरे लिए ये नाम लकी नहीं है, इसीलिए सारे गाँव ने तेरा नाम चेंज करके लकी लकी रख दिया है, समझा ना तू। हाँ, तो उससे इसका क्या मतलब? लकी को मार दे, विक्की को जिंदा कर और नौकरी पाले ऐश कर। ए, ये सब वर्कआउट होगा क्या यार? अरे और कोई रास्ता भी नहीं है यार। देख लकी, तू लकी नहीं है, विक्की की तरह एक्ट कर, नौकरी पाले, तू भी ऐश करेगा और मैं भी ऐश करूंगा। अरे इससे भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम तूने तो चुटकियों में सुलझा दी है यार, तुझे मैं क्या सिखाऊंगा यार। देख लकी, सॉरी विक्की, भगवान का नाम ले, लकी कुमार विक्की बन जा। जय हो। भगवान बोल रहा है भगवान। अबे तेरा भगवान क्या कर लेगा, जा
पत्थर के सामने हाथ जोड़ते रहते हैं सब पागल। कैसे भी आप बुला ही लेते हो ना। ऑल इंडिया 33 करोड़ भगवान की लिस्ट में आप ही सबसे नंबर वन पर हो, और आप बहुत ही स्ट्रांग पावरफुल हो ऐसा लोग कहते हैं, मैंने ऐसा सुना है, लेकिन पर्सनली कभी मीट करना नहीं हुआ। वो क्या है ना कि श्री गणेश वक्र तुंड एक दंत मूषक वाहना, मैं आपके भरोसे पर ही आया हूँ भगवान। मुझसे अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। ओम वक्र तुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्य। मैंने ऐसा कभी आपको टॉर्चर नहीं किया है। डायरेक्ट मैटर पे आता हूँ। एक तो मुझे नौकरी मिलनी चाहिए, और सेकंड गौरी मुझे पहचान ना पाए। देखो फर्स्ट टाइम मैं आपसे हेल्प मांग रहा हूँ गुरु। मुझे हेल्प करके आप अपनी नंबर वन की पोजीशन को बचा कर रखो। आपको मेरी हेल्प करनी है, आपके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। चलता हूं प्लीज। हाँ सर, यहाँ सलून वाला तो आई 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 ये मेरा ही सलून है। आई आई बैठिए। हाँ बैठिए बैठिए ये तो चल बहुत दिनों बाद तुम्हें कस्टमर है। बैठिए बैठिए बैठिए। ये कौन सा डब्बा सलून में लाया है बेटू? ऐसा मत बोलिए सर, ये सलून भी एक मंदिर जैसा ही है। क्या कहा? मंदिर? देखिए सर, मंदिर में आप सर झुकाते हैं ना, यहाँ पर भी आप अपना सर झुकाते हैं, वहाँ भी बाल कटवाते हैं और यहाँ भी बाल कटवाते हैं। जिंदगी के लिए कुछ अच्छा होने के लिए आप वहाँ मदद मांगते हैं, और जिंदगी में अच्छा दिखने के लिए आप यहाँ पर बाल कटवाते हैं। देख आज सोमवार है, कोई भी सलून खुला नहीं है, हमारे पास पैसे भी कम है, ये अपना काम कर देगा यार। चल चलना लगी, चल 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 जल्दी आ जा, बैठ जा बैठ जा बैठ जा। हां बैठ जा, रेडी आज जरा देखते हैं कि क्या ये तो काफी कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा। हेलो इसे कुछ तुम जरा इधर आओ, आओ ना। ऊपर देखो, अब रेडी सर। क्या हुआ? देख तू लकी के सर पे हाथ रख रहा है तो ये तेरा लक है। कुछ भी गलत मत करना, थोड़ा अच्छे से करना यार। भाई ने मुझे सब कुछ बता दिया है, आप तो अपना सर बस मेरे हवाले कर दीजिए। आउटस्टैंडिंग साधु का कमाल देखिएगा, कलाकारी से भरपूर है। अपनी कला दिखाने के बाद आपके सर की वैल्यू बढ़ जाएगी सर। यू जस्ट स्माइल एंड प्लीज गिव मी वन फोटो। जबरदस्त। सुनो 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 सुनो, आगे के बाल थोड़ा सा पीछे करके मस्त काट देना। मुझे सब कुछ पता है, आप चुपचाप मेरा काम करने दीजिए। रोना नहीं, अच्छे बच्चे नहीं रोते। क्या बात है, रेडी सर? सुपर लग रहे हो। क्या बात है, स्मार्ट लग रहे हो। मुझे प्यार करने वाली अभी मुझे पक्का नहीं पहचानेगी ना। अरे वही लड़की क्या तुम्हें पैदा करने वाले माँ बाप तक तुम्हें नहीं पहचानेंगे। ऐसा क्या? टेस्ट करना चाहोगे? भाई चाय आ गई। बेटा सुन, पहचान कौन है ये बता। ये क्या भाई, आप क्या पूछ रहे हो? इनके साथ जो लंबे बाल वाला आया था वो यही है ना? ये मेरे को लगता है इसने आपके कपड़े देख के पहचान लिया होगा। क्यों है ना बेटा? कपड़ा देख कर नहीं भैया, आंखें देख कर पता चल जाता है। अरे 420, सब कुछ तो चेंज होता है लेकिन ये आंखें कैसे चेंज करूं? मैं हजारों लोगों के बीच रहूं, वो गौरी मुझे जरूर पहचान लेगी। डोंट वरी लकी, उसका भी इलाज है। कंप्यूटर पॉइंट प्रोग्राम हैव कम अ लॉन्ग वे सिंस। डॉक्टर साहब नमस्ते। आप? सर मैं फोन, आईबॉल, कलर चेंज। आप लोग? मैं आप लोगों का ही इंतजार कर रहा था। बैठिए बैठिए। इतना एक्साइट क्यों हो रहा है ये? अरे यार ये स्पेशलिस्ट हैं, ये हर काम को एक्साइट होकर ही करते हैं। डॉक्टर ये जो मेरी आंखें हैं ना, आप कुछ मत कहो, आप सिर्फ इस एग्रीमेंट पे साइन करो। एग्रीमेंट? ये क्या एग्रीमेंट बिग्रीमेंट बोल रहा है? फॉर्मेलिटी चीज है यार, कर देना जल्दी, कर 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 कर। डॉक्टर साहब हो जाएगा ना काम? सिस्टर। यस डॉक्टर। सब रेडी है ना? हाँ सब रेडी है डॉक्टर। अबे जहाँ भी देखो सब धुआं धुआं लग रहा है।
दोनों मिलकर मुझे मारना चाहते हो क्या? क्या बकवास कर रहा है तू? He is Dr. Adi, famous eye specialist. He is genius. रुक जा, रुक जा. टेंशन क्यों ले रहे हो? No tension. मेरे पास आ गए तो काम खत्म. Problem. Come on. चलिए 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 जा. डॉक्टर आदि आप काम शुरू कीजिए. बाबा डॉक्टर, आपने इससे पहले किसी का आई कलर चेंज किया है ना? हाँ, बहुतों का किया है. लेट ना यार तू. सर शुरू कीजिए आप. अपनी आंखें खोलो. डॉक्टर, you're a genius. डॉक्टर, you're a genius. डॉक्टर आदि, आपको तो चांद पर होना चाहिए. पृथ्वी लोग तो क्या पूरे चंद्र लोग में भी ऐसा डॉक्टर नहीं मिलेगा. चंद्र लोग. डॉक्टर आपकी फीस देखो, मैं उसमें एकदम पक्का हूँ. किसी को धोखा नहीं देता. ये लो. हाँ, जिस पे भी एक्सपेरिमेंट करता हूँ, कुत्ता हो बकरी हो, सबको फीस देता हूँ. तो तुमको भी दूंगा ना. ये फीस लेने वाला नहीं, देने वाला डॉक्टर है. सच है. देखो, ऐसा कोई ग्राहक हो तो लेके आओ. ये बात. यस यस यस. हो गया अपना काम. अबे नालायक, तुझे पैसा चाहिए था और उस डॉक्टर को एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक बकरा चाहिए था, वो मैं मिल गया. मेरी आंखें चली जाती तो क्या करता? अरे आंखें गई नहीं ना, टेंशन क्यों ले रहा है? वैसे भी लेंस के लिए हमारे पास पैसे हैं क्या? वो सब छोड़, तेरे आई बॉल का कलर चेंज हो गया है और गेटअप चेंज करने के लिए हमें चेंज भी मिल गया है. Wow. Sir. Sir. सर, आप ही हो ना जो कल रंग बिरंगे होकर आए थे? Exactly. हैं, कल देखो बिल्कुल बेकार लग रहे थे. आज बिल्कुल राजकुमार लग रहे हैं आप. ऐसे रहेंगे तो हर जगह काम मिलेगा. आज मैं आपको नहीं रोकूंगा. ऑल द बेस्ट. थैंक यू. आपका थैंक्स छोड़िए. मैं ही लकी हूँ, ये बात किसी को मत बताना. ठीक है सर, नहीं बताना. जाइए. सिर्फ मुंह से बोलने से नहीं चलेगा. प्रॉमिस करो. इतनी छोटी बात के लिए प्रॉमिस चाहिए सर? भगवान के लिए प्रॉमिस कर दो, आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला. अरे करो यार. ओके. मेरी जान भी चली जाए, आप लकी हैं, किसी को नहीं बताऊंगा. ये मेरा वादा है सर. Lucky? I'm sorry, I'm Vicky. Vikram Kumar. Interview. Excuse me. Your good name? Vicky. Vikram Kumar. Vikram Kumar? Vikram. आपका लकी नाम का कोई भाई है क्या? जी नहीं, मेरे पेरेंट्स का मैं इकलौता बेटा हूँ. तो मिस्टर विक्रम कुमार, डिग्री 2 साल पहले आपने पूरी कर ली थी, तो आपने कहीं काम क्यों नहीं किया? 2 साल से जो मैं चाहता था वो काम मुझे अब तक नहीं मिला था. और आसान काम भी बहुत ही मेहनत से करना, ये मेरा तरीका है. आपका कोई कजिन ब्रदर है क्या लकी नाम का? जी नहीं, मेरे पूरे खानदान में मैं एक ही लड़का हूँ.
ओके मिस्टर विक्रम, हमें आपका एटीट्यूड बहुत पसंद आया। गौरी, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? आपका निकनेम है क्या लकी या ऐसा कुछ? एक्सक्यूज मी मैम, इस काम के लिए मेरे सारे पर्सनल डिटेल्स इस सर्टिफिकेट में हैं, और आपके लिए वो देखना काफी होगा। सी मिस्टर विक्रम, इस फाइल में आपको वर्क रिलेटेड सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। एक प्रोडक्ट है जिसके ऊपर आपको कॉन्सेप्ट डेवलप करना है, अगर आपका कॉन्सेप्ट हमें पसंद आया तो आपकी नौकरी पक्की। श्योर सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, सी यू टुमारो। वन मिनट सर। ओके लकी, लकी विक्रम। या तुम लकी हो ना? आई एम सॉरी, लगता है इस लकी ने आपको बहुत ही परेशान किया है, लेकिन मैं नहीं करूंगा। आई एम विक्रम, विक्रम कुमार। बाहर देखो तो सभी आपकी कंपनी के बारे में अच्छा अच्छा बोलते हैं, और अंदर देखो तो आप बच्चे की तरह लकी लकी कर रही हो। वेरी फनी, एक्सक्यूज मी। Fantastic. सिर्फ एक दिन में 10 options. Very good. Thank you. Very nice. Unbelievable. Thank you, sir. Very good work. Thank you. Gauri, he is the right person. I think your pay will do wonders. और आपको नौकरी की सारी details गौरी दे देंगी। अब से आप सिर्फ गौरी को follow कीजिए। अबे पागल लोगों, इतने दिनों तक तो वही किया था, आगे भी वही करूँगा। गौरी, carry on. Thank you, sir. Congratulations. Thank you, sir. Impressive. Thank you. मेरे विकी बनने के बाद तो मेरी लाइफ वाइट एंड वाइट हो गई। कंपनी की कार, कंपनी का फ्लैट, राजी हो गए बॉस। हेलो हेलो, ए 420, अबे रूम देखा ना? क्या हुआ बे? हाँ यार, अरे क्या लकी है यार तू। Yeah. 420. इसके बारे में मैंने बहुत ही रिसर्च की है। ऐसा एरिया हमारे आसपास और कहीं भी नहीं है। इस एरिया में अगर अपने कंपनी के होल्डिंग्स लग जाए तो अपने कंपनी की ची, थू, थू, ची, नहीं, ये कैसा एरिया है? इस एरिया में अगर अपने कंपनी के होल्डिंग्स लग गए तो मैं भी गया, तुम भी गए और पूरी कंपनी गई। चलो आओ। वेट, अभी तो कह रहे थे कि यहाँ होल्डिंग लग गई तो बहुत अच्छा होगा। वही वही वही, अगर अपने कंपनी के होल्डिंग्स यहाँ पर लग जाएं तो अपनी कंपनी भी खराब हो जाएगी और हम लोग भी खराब हो जाएंगे, इसलिए आओ चलते हैं यहाँ से। आओ आओ। तुमने तो कहा कि बहुत अच्छा एरिया है। अच्छे लोग हैं ऐसा मुझे लगा था, लेकिन तुम्हें देखो ना, यहाँ पर सभी छपरी लोग हैं, बाहर सुसु करते हैं, इसलिए तो चलो चलो आओ आओ चलते हैं। तो क्यों तुमने मेरा टाइम वेस्ट किया बताओ? किसे पता था कि मेरा ऐसा फिटिंग होगा करके। क्या फिट? अब फिट नहीं होता है, मैं दूसरा एरिया सोच कर इस एरिया में तुम्हें ले आ गया, थोड़ा कंफ्यूज हो गया मैं। अब अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से सेट नहीं होता। आओ ना चलते हैं यहाँ से, आओ आओ ना प्लीज। इस एरिया में सलून है, तुझे कैसे पता चला यार? अबे उस कमीने ने सभी होल्डिंग्स में अपना एड्रेस लिख कर रखा है। उसकी फोटो कैसे आ गई? अबे इसने तो होर्डिंग बना के लटका दिया। अबे ये क्या यार, रजनीकांत की फिल्म के लिए जैसी लाइन लगती है वैसे यहाँ क्यों? भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? तीन दिन से लाइन में खड़ा हूँ, तब जाकर के टिकट मिली है मुझे। जाइए क्यू में खड़े हुई है। ए बॉस, क्यू में इधर कटिंग कराने के लिए काउंटर से टिकट लेके क्यू में लगना पड़ता है। क्यू में? हेलो, आज सैटरडे है, पूरा हाउस फुल है, अंदर जाने को नहीं मिलेगा। अंदर जाना है तो ब्लैक में टिकट ले। चाहिए क्या? ये सब क्या है लकी? क्रिकेट मैच में ब्लैक टिकट होती है, थिएटर में ब्लैक टिकट होती है, कटिंग के लिए भी ब्लैक टिकट।
अबे ये सब बकवास है, चल करो। भाई लक्की भाई आप यहाँ? अबे तू तो वही है। मैं ही हूँ, मैंने साधु। ये मेरा फोटो क्यों लगाया है? सब निकाल। भाई ये सब आपके महिमा का लक है। जब आपने अपना लुक हमारे यहाँ चेंज किया तो हमारे गुरु का लक ही चेंज हो गया। क्या? हाँ भाई, अभी हमारे गुरु कटिंग का धंधा छोड़कर पूरे शहर में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाकर बड़े बड़ी ब्रांचेस ओपन करके आराम से जी रहे हैं। कहाँ है वो साधु? लकी माय डार्लिंग, मेरे भगवान, कमान 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 गले जा। पूरे शहर में मेरे फोटो की होर्डिंग्स लगाई है, पहले उसे उतार वरना मार दूंगा तुझे। तू चुप रह, तू शांत हो जा, मैं बात करता हूँ। सॉरी साधु, तूने सिर्फ इसीलिए मुझे मारा? देख लकी, तू रॉयल्टी मांगेगा तो मैं रॉयल्टी दे दूंगा, लेकिन मैं होर्डिंग नहीं हटाने वाला। हाँ रॉयल्टी वॉयल्टी बोला तो गुस्सा मत कर। तुझे इस गाल की वैल्यू पता है क्या? पता है, बहुत वैल्यूएबल है। सारी लड़कियां आ गए, चुम्मा देती है चुम्मा। देख सबको कैसा फील हो रहा है। ये देख डार्लिंग, ये देख जानेमन, रो मत। उन लोगों का फील होना छोड़ दे, वो होल्डिंग अगर मेरी गर्लफ्रेंड देख लेगी तो मेरा क्या होगा? तेरी गर्लफ्रेंड? होल्डिंग निकालने से तेरी गर्लफ्रेंड का संबंध क्या है? ये ऐसे बोलेगा तो इसकी जान लूंगा। मैं बात करता हूँ। साधु भाई, इसके पीछे बड़ी कहानी है। कैसी कहानी है? तू रुक जा। आप वहां चलिए, मैं बताता हूँ। चलिए मेरे साथ। तो ये बात है। लकी, यू डोंट वरी, तेरे लव के आगे मेरा बिजनेस कोई वैल्यू नहीं रखता है। मैं सारे होर्डिंग्स निकाल दूंगा, सारे बोर्ड्स निकाल दूंगा। यू डोंट वरी, यू कैरी ऑन। थैंक यू भाई, सॉरी यार। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू साधु भाई, चल लकी, काम हो गया अपना। बाय। लकी क्या हुआ साधु? होर्डिंग तो निकाल दूंगा यार, लेकिन कल के क्या? कल के पेपर में ऐड दिया है मैंने, वो ऐड कैसे रुकेगा? कल का पेपर डिस्पैच हो गया ना सर? अरे क्या कहा, डिस्पैच हो गया। अब क्या करेंगे यार? क्या अभी क्या करें? सॉरी, कल वो पेपर गौरी के हाथ में नहीं आना चाहिए, बोलता हूँ तुझे। अबे ठीक से खड़ा हो ना। हे 420, जाओ पेपर लेके आजा। नो, चोरी कभी नहीं, मैं कभी नहीं करूंगा। अबे कमीने लोफर, सारी गंदी हरकतें तो करता ही रहता है, और पेपर लाने बोला तो उसे तू चोरी समझता है। जा जाके पेपर लेके आ जल्दी। लकी मैं कुछ भी करूंगा पर चोरी नहीं करूंगा, मैं कभी नहीं करूंगा चोरी। मैं जा रहा हूं अंदर। क्या नाम है तुम्हारा बेटा? तू चोर है। अरे बापरे, सारे पेपर फिनिश हो गए। अरे बापरे, ये कौन सा पेपर मिस हो गया? अरे अब मैं क्या करूं? हाय, तुमने विकी को देखा? नो मैम। अरे चुप ना। अरे कौन है यार? पेपर देखा तुमने? इसलिए यहाँ छुपे हो ना? आ, आ,
ये बबल गम डबल गेम मुझे दोनों ही पसंद नहीं है। तुम इतनी जल्दी चेंज हो जाओगे मैंने सोचा भी नहीं था। देखो मैं जानबूझकर चेंज नहीं हुआ। What? मेरे हालात ऐसे थे कि मेरे हाथ में पेपर आएगा तो मुझे पता चलेगा और मुझे पता चलेगा तो तुम फंस जाओगे। नहीं, 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 नहीं। मैं खुद ही ये बात तुम्हें आकर बताना चाहता था लेकिन Stop it. देखो अगर तुम्हें इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है तो पहले बता दो। प्रोजेक्ट? हाँ तो कौन सा प्रोजेक्ट? ये वाला। तुम इतनी देर से इस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रही थी। हाँ तो तुम क्या समझ रहे थे? मैं भी इसी प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा था। तुम ये प्रोजेक्ट हैंडल कर पाओगे या नहीं ये बताओ। अरे पक्का करूंगा ना, तुम्हें पसंद आया तो हैंडल ही क्या स्टीयरिंग भी करूंगा। इट्स नॉट अ जोक विकी, इट्स प्रीटी कॉम्प्लिकेटेड। बिलीव मी, जितना भी मुश्किल हो मैं ये प्रोजेक्ट जरूर हासिल करूंगा। तुम्हारे लिए तो मैं जरूर करूंगा। श्योर? इट्स अ प्रॉमिस। इतना टैलेंट होने के बावजूद तुम क्यों छुप रहे थे? हाँ? अब वो भी एक तरह का टैलेंट ही है। Anyways, I'm happy now. इसी खुशी में वन कॉफी? कॉफी? ओके। कहाँ? कहीं भी, आज शाम को तुम्हारे फ्लैट में? डन। हाँ बोले यार। ए 420। आज शाम को गौरी मेरे घर पे आने वाली है। मतलब मैटर यहाँ तक पहुँच गया है। ए, वो सब छोड़ और मेरी बात ध्यान से सुन। मैं ही लकी हूँ ऐसा प्रूफ करने वाला कोई भी सामान अगर घर में हो तो उसे हटा दे। थोड़ी भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए नहीं तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा। सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। अभी मेरा प्रेजेंटेशन जरूरी है। लाइफ में फोकस बहुत ही जरूरी है। ये एक्सक्यूज मी, क्या हुआ? ये तेरा चेन बेल्ट वगैरह सब कुछ दे दूं क्या? हाँ दे दे। हमारा सारा कॉन्सेंट्रेशन, हम जो काम कर रहे हैं बस उसी पर होना चाहिए। एक्सक्यूज मी, क्या हुआ? हेलो लकी, तेरी फेवरेट ब्लू जींस है उसे भी दे दूं क्या? हाँ दे दे। ठीक है ठीक है, दे देता हूँ। अच्छा सर सुन, एक रिंग बच गई है। जो भी है वो सब का सब दे दे कमीने, लेकिन बार बार मुझे फोन मत करना। सॉरी। व्हाट्स ऑल दिस? अरे आ रहा हूँ ना, कौन है बार बार बेल बजा रहा है? अरे आ रहा हूँ यार, रुको, क्या काम है बोलो। गुड आफ्टरनून सर। ये गाली दे रहा है या फिर नमस्कार कर रहा है? ए कौन हो तुम बताओ? आपने बुलाया था सर। मैंने? आई एम ऑल इंडिया बेगर प्रेसिडेंट। अच्छा ये वो है भिकारी इंग्लिश वाला? बेंगलुरु में भीख मांगना है तो ऑल लैंग्वेज आल्सो कमिंग। माय टाइम इज वेस्ट, माय मुंबई दिल्ली। अरे रुक जा यार, ये तो मान ही नहीं रहा। आ रहा हूं ना, आ रहा हूं। माय टाइम इज गोइंग टू वेस्ट। ये लो ये सब कुछ ले लो और जा यहां से मेरे पास। जा 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 चले यार। सर सुनिए, ये क्या है सर? मैं पेट भरने के लिए अपनी थाली लेकर आया हूँ सर। नो कपड़े, ओनली खाना। दिस इज माय पेट। ए बस कर, थाली प्लेट कर रहा है सर। इधर सुनिए, मेरी बात समझिए, प्यार से देखिए, कपड़े नहीं, खाने के लिए कुछ तो दीजिए सर। ए खाने के लिए घर में कुछ भी नहीं है, ये बैचलर्स का रूम है, घर में खाना नहीं बनता है। कपड़े मिल गए ना, अब चुपचाप यहाँ से निकल लो। चलो जाओ। हो चुप कर, धीरे बोल, धीरे बोल। थाली पकड़ कर आपके दरवाजे पर आ गया तो पेट के लिए कुछ देना ही होगा, कपड़े नहीं चाहिए। चुप कर, तब से दिख रहा हूँ थाली प्लेट करके मेरा दिमाग खा गया। सुन रहा हूँ थाली प्लेट करके मेरा दिमाग खा रहा है। ये लकी को लकी प्रूफ करने वाला सिर्फ ये आखिरी एविडेंस है। मैं इसको कैसे भूल गया? एक मिनट रुको। ये ना, ये सोने का बना हुआ है, इस पर भीख मांगना तुमको बिरयानी मिलेगी। देखो अब दोबारा यहाँ पर मत आना, समझे? चल जाओ यहाँ। सर सर, अब दोबारा मत आना। सारे एविडेंस मैंने खत्म कर दिए। फिर से कोई आ गया, क्या है, कौन है, क्या चाहिए तुमको? क्यों बेटा 420, कैसा है तू? माँ जी, लाइफ में डिस्टर्बेंस बहुत होता है, फिर चाहे कुछ भी क्यों ना हो हमें डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं होना है। क्या हुआ? अरे सुन लकी, यहाँ एक प्रॉब्लम हो गई है यार। कुछ भी होने दे, तू ही मैनेज करके मार। हेलो हेलो लकी, बोला मैनेज करूं? कैसे मैनेज करूं यार?
हमें ही प्रोजेक्ट। हाँ बिल्कुल, हाँ क्यों नहीं, जरूर होगा। अम्मा माँ। ओह नमस्ते आंटी। माँ आरती उतार रही है, हमारे घर में फर्स्ट टाइम कोई आता है तो उतारो माँ, आरती उतारो। अंदर आओ बेटी। विकी पापा नहीं, उसका डैडी। वेरी फनी। आ जाओ आ जाओ। हाय हाय, कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। आप तुम आराम से बैठो, बैठ जाओ आराम से। क्या कर रहा है यार, तुमसे बात कर रही है? गुदगुदी हो रही है, गुदगुदी हो रही है, गुदगुदी। ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। वो मेरा पोता है बेटी। नमस्ते। ये क्या बेटी, मुझे तुम ऐसे क्यों घूर रही हो? मैंने 90 डाली है इसलिए। इस उम्र में? अरे 90 डालने के लिए उम्र का क्या मतलब, मैं तो घर में हमेशा 90 डालना ही पसंद करती हूँ। तुम्हें 90 की आदत नहीं है क्या? जी जी जी, मुझे ऐसी कोई आदत नहीं है। ओहो, ये सब आदतें रहनी चाहिए, 90 डालने से कितना मजा आता है पता है? इन सबको क्यों लाया तू? अबे फोन किया था ना कि घर में प्रॉब्लम हो गई है, तूने बोला कि सब कुछ मैनेज कर लो। बस मेरे डायरेक्शन में पूरी स्टोरी फुल मैनेज हो रही है भाई, तू देखते जा देखते जा। तेरी तो अब क्या हुआ, गणेश जी को बनाते बनाते ईश्वर को बनाएगा तो चलेगा? तूने तो सीधे यीशु को ही बना दिया। क्या हुआ अभी, कैसे मैनेज करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चल। हमारे एरिया की सारी लड़कियाँ बुढ़िया सभी 90 डालते हैं, क्यों डालती थी मुझे नहीं पता, एक बार मैंने भी डाल कर देखा, 90 डाले के बाद ही मुझे इस बात का पता चला। दादी, उसे 90 नहीं कहते, 90 90 90 या दादी थोड़ा सा है, मैंने भी तो वही कहा ना 90। विकी बात करते रहो, मैं भी आई। बैठो ना बैठो। कॉफी पिए? सिर्फ कॉफी? क्या बेटी पहली बार घर आई हो, सिर्फ कॉफी पी के जाओगी? नहीं बेटी, आज तुम्हें मेरे घर का खाना खा के ही जाना होगा। अरे रहने दीजिए पापा, इन्हें कोई अर्जेंट काम होगा तो इन्हें तकलीफ मत दीजिए, फिर कभी देख लेंगे। क्यों विकी, उसे खाना खा कर ही जाने दो, देखो बेटी तुम खाना खा कर ही जाना। माँ जबरदस्ती। ठीक है मैं खाकर जाऊंगी, थोड़ा सा डालिएगा। गौरी हमारा विकी बहुत अच्छा लड़का है, आजकल के लड़के इतने बड़े बड़े बाल बढ़ाते हैं, मेरे विकी ने कभी नहीं बढ़ाए, जब ही बढ़ते हैं तुरंत कटिंग करता है। इन्होंने पूछा क्या? बेटी तुम ऐसे रो क्यों रही हो, मिर्च ज्यादा हो गई क्या? नहीं। तो फिर अपनी लाइफ में पहली बार मैं फैमिली के साथ बैठकर खाना खा रही हूँ। क्या हुआ बेटी, तुम्हारे माँ बाप नहीं है क्या? नहीं है। देखो बेटी आज से तुम हमें ही अपने माँ बाप समझ लेना। अब चलो बेटी खाना खाओ। Thanks for the dinner. My pleasure. पहले तो मुझे तुम अच्छे लगते थे, पर अब तुम्हारे घर वाले भी अच्छे लगने लगे हैं। फैमिली किसे कहते हैं ये मुझे आज पता चला। Anyway, good night. Okay, good night, bye. See you tomorrow. Yeah. व्हीकल में कुछ प्रॉब्लम है क्या?
दोनों एक ही सोसाइटी में रहते हैं, एक ही ऑफिस में काम करते हैं, जाने का रूट भी एक है, तो फिर हम अलग अलग कार से क्यों जाएं? आज से हम दोनों कार में एक ही साथ जाएंगे। अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो। तुम्हें कोई एतराज नहीं है ना? हम चलते हैं बेटा। जाना जरूरी है क्या माँ? ए, गांव में बहुत काम पड़ा है, चलो जल्दी चलो चलो चलो। ए, 420, मुझे 490 भेजना। 90 मांग कर दिया, भेज देना। लकी भूल जाता है, तू उसे याद दिलाना और याद से भेजना। ठीक है, पक्का भेजूंगा। दादी भी ना। हाँ, ये तो बहुत ज्यादा तेज है यार। अरे यार, ये तो हनुमान है। हे, हनुमान मेरा दोस्त। अरे अरे, कैसा यार तू, अच्छा है ना? देना है 200 रुपए। अच्छा हुआ तू यही मिल गया, वरना फंस जाता। ये सर कौन है, पहचान नहीं पाया। इस अपार्टमेंट के ओनर बेटी, मैं तेरा दोस्त हूँ लकी। लकी, चुप, कितना बदल गया यार तू। मेरा अवतार छोड़, तेरा ये अवतार कैसे हुआ यार? वो बहुत बड़ी कहानी है। क्या हुआ पता है? चल अंदर चल के बात। तुझे पता है क्या हुआ? वो यूएसए में रीटा है ना, इसीलिए बोला था कि दोस्तों की बात माननी चाहिए। अच्छा ये बता, आखिर हुआ क्या, बता ना। अरे हनुमान कुछ बोलेगा भी। मेरी लाइफ का डोर क्लोज हो गया यार। मतलब नौकरी गई कि पैसा भी गया? मतलब तेरा घर भी गया और साथ में चड्डी भी उतर गई? हाँ, यही है मेरी कहानी। ए, अरे तू टेंशन मत ले यार, अभी हमारे पास सब कुछ है, तू भी हमारे साथ ही सेटल हो जा। तेरा एहसान चुकाने का मौका मिल गया है मुझे। हमारे चला तू चिंता मत कर, चल आजा अंदर चल, और ऐश करना यार, आजा। मेरे पुराने कपड़े रखे हैं या नहीं? अरे नए खरीदेंगे यार, चल अंदर। हाय किड्स, पटाखे फोड़ रहे हो? वेरी गुड। नहीं, कोई चॉकलेट्स मत लो, अंकल ठीक नहीं है, अंकल चोर है। नहीं ऐसा नहीं है, अंकल तो बहुत अच्छे हैं। अंकल अंकल मुझे दो। अंकल अंकल अगर यहाँ पटाखे फोड़ोगे तो क्या मजा आएगा? तो कहाँ फोड़ने से मजा आएगा अंकल? कभी कुत्ते की पूंछ पर पटाखे बांधे हैं क्या? जोजो, 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 ये। हे जोजो, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? जोजो, इसे कहीं चोट तो नहीं लगी ना? हॉस्पिटल ले चलते हैं, हॉस्पिटल, एम्बुलेंस, एम्बुलेंस। विकी रहने दो, ऐसे कुछ नहीं। अरे तुम चुप रहो, ऐसा कैसे कह सकते हो? ये मुँह खोलकर थोड़ी ना बोल सकता है। एम्बुलेंस, एम्बुलेंस, एम्बुलेंस। विकी प्लीज, इट्स ओके, ये थोड़ा डर गया है बस। सच कह रही हो? तो ठीक हो जाएगा। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? अरे मेरी छोड़ो, मेरी जान चली जाए तो भी चलेगा, लेकिन जूजू बच गया ना, कहीं कुछ हुआ तो नहीं? कहीं कुछ हुआ तो नहीं? थैंक यू। ओह नो, अरे बाप रे। पर इन बच्चों को ये, तुम लोग बच्चे हो या राक्षस हो? तुम लोगों में जरा सा भी कॉमन सेंस नहीं है? यहाँ पटाखे फोड़ना मना है, पता नहीं है? किसी कोने में जाकर फोड़ने चाहिए। कुत्ते की पूंछ पर कोई पटाखा फोड़ता है क्या? बेचारे कुत्ते ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? तुम्हारे माँ ने यही सिखाया है क्या? तुम्हारे बाप ने यही सिखाया है क्या तुम लोगों को? प्लीज, ये बच्चे हैं, इनसे गलती हो गई। अरे तुम नहीं जानती, ऐसे बच्चों को नहीं छोड़ना चाहिए। अभी पटाखा ऐसा छोड़ रहे हैं, कल हो सकता है कि सीधे बॉम्ब भी फोड़ दे। अगर चूजू को कुछ हो गया होता तो? चूजू को कुछ नहीं हुआ है, काम डाउन प्लीज। चलो अगर तुम कहती हो तो मैं छोड़ देता हूँ। तुम्हें मेरा जूजू इतना पसंद है? बहुत। I love you, जूजू। तुम्हारा concern, तुम्हारा affection मुझे बहुत पसंद है। Thank you so much। अरे अपने बीच ये thanks की क्या जरूरत है? कुछ नहीं हुआ है, चलो चलते हैं। ये चोर है, इसकी बात मत सुनो, मैंने कहा था ना। यार लकी,
झूठ बोल के बहुत दिनों तक खुश नहीं रह सकते यार। तेरी बकवास बनकर, मैंने एक झूठ बोला है। आज मेरे पास सब कुछ है, देख सब कुछ तो आ गया मेरे पास। कल गौरी भी मेरे साथ रहेगी, देखना। तुम कुछ कहने वाले थे ना, कहो ना। तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। थैंक यू, यही कहना था तुम्हें। एक्चुअली इस प्लेस पर लोग बहुत कम हैं तो ब्यूटीफुल लग रहा है ना। योर ऑर्डर सर। इसके अलावा एक्सक्यूज मी, योर ऑर्डर। अब सूप बहुत अच्छा होता है, खा लो इसे। अब सॉरी, पी लो इसे। यमी है ना। अलहम। अब तो बोलो। वो एक्सक्यूज मी, मैं एक मिनट में आता हूँ, आकर बताता हूँ। तू आई लव यू बोल नहीं पा रहा है यार। तुम, अबे तेरी तो आई लव यू बोल नहीं पा रहा है। थू, ए ऐसा थूकना ठीक बात नहीं है, समझा ना। थूकना कान के नीचे बजाना चाहिए तेरे को। आई लव यू ये बोलने के लिए कितना तड़प रहा था तू। अगर तेरी जगह मैं होता तो उसे 100 बार आई लव यू बेबी करके बोलता। इसलिए तो तू रिजेक्ट हो गया। मैं तो पसंद नहीं था इसलिए रिजेक्ट हुआ हूँ। लेकिन वो तो तुझे चाहती है, तू प्रपोज करेगा ये सोच कर वो टेबल के पास वेट कर रही है और तू यहाँ बाथरूम में टाइम पास कर रहा है। व्हाट द फ। इतना ज्यादा मत सोच तू। तेरे हालात अलग थे, मेरे हालात अलग हैं। मैं बोलने आया था तो मैं बोल कर ही रहूंगा। अबे तो मेरे को बताएगा क्या? जा उसको बता। बताऊंगा। अब चलें? हाँ चलते हैं। अब आई लव यू। क्या कहा? आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें मैं बहुत चाहता हूँ। विकी, मैं भी तुम्हें बहुत चाहती हूँ पर तुमसे कह नहीं पा रही थी। क्यों? क्योंकि मैं दिल किसी और को दे चुकी हूँ। उसका नाम लकी है। क्या? लकी है? तुम्हें फर्स्ट टाइम ऑफिस में देखकर मैंने तुम्हें लकी ही समझा था और मैं बहुत खुश हो गई थी। लेकिन तुम लकी नहीं विकी हो ये जानकर मेरा दिल बिल्कुल टूट गया। तुम लकी से प्यार करती हो? तुम लकी को चाहती हो? सिर्फ चाहती नहीं हूँ, वो मेरी जान है, मेरी लाइफ में मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक ही इंसान है और वो है लकी। फिर भी मैंने उसका प्यार एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों एक्सेप्ट नहीं किया? क्योंकि प्यार में 3 स्टेजेस होती हैं विकी। पहली, लड़का लड़की के पीछे पड़ना या लड़की लड़की के पीछे पड़ना। अगर इस स्टेज में कोई एक मान गया तो मतलब सब खत्म। सेकंड स्टेज होती है मीटिंग, डेटिंग, सिनेमा, ये सब होता है टाइम पास करने के लिए। उसके बाद शादी, सेटलिंग डाउन। मुझे लकी के प्यार को पहली ही स्टेज में ईच एंड एवरी मोमेंट एंजॉय करना चाहिए था। लकी के लिए तो मैं ही हूँ ना उसकी दुनिया, मुझे छोड़कर आखिर वो कहाँ जा सकता है। लेकिन मुझसे ही गलती हो गई, अचानक वो कहीं गायब हो गया। ही जस्ट डिसअपीयर्ड। मैंने उसे हर जगह ढूंढा चाहे वो मुझे मिलता था, उसके बारे में सोचे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। आज भी मैं उसी के इंतजार में हूँ। लकी मुझे कितना प्यार करता था पता है विकी? माय गॉड, मैं जहाँ जाती थी मेरे पीछे आ जाता था। इस बेवकूफ का फिल्मी आइडिया सुन के तू बर्बाद हो गया, अपने लिए खुद गड्ढा खोद लिया तूने। गड्ढा खोद लिया? क्या बोल रहा है यार तू, क्या बोल रहा है? देख लकी,
गौरी तुझसे प्यार करती है, फिर चाहे तू लकी हो या विकी हो, गौरी किसी और से प्यार नहीं करती है। देख लकी, टेंशन मत ले, उसके सामने जा, बोल दे कि तू ही लकी है, बोल दे उसको। हाँ यार, गौरी के सामने जाके मैं ही लकी हूँ ऐसा बोल दो। वो मान लेगी क्या? अरे क्यों नहीं मानेगी, वो हर फिल्म की स्टोरी में ऐसी सिचुएशन तो आती ही है। अगर तू मुझे ये सिनेमेटिक आइडिया देगा ना तो मार डालूंगा तुझे। हाय। हाय। वो तुमसे कुछ बात करनी थी मुझे। फिर से? ठीक है, बोलो। मैंने एक बड़ा झूठ बोला है तुमसे। झूठ? कैसा झूठ? एक्चुअली वो मैं ही लकी हूँ। सॉरी, व्हाट? हाँ गौरी, मैं ही लकी हूँ। तुम मुझे चाहते हो और मैं लकी को चाहती हूँ। अगर तुम लकी जैसे दिखते हो तो तुम लकी बन जाओगे क्या? गौरी मेरा यकीन करो, मैं ही लकी हूँ। व्हाट? चोक बहुत हो गया, कम ऑन, बहुत काम पड़ा है। ए, ए, गौरी, I'm serious, मैं ही तो लकी हूँ। पहले तुम्हारे शो में मैं ही कॉल करता था, प्लांट्स देता था, ग्रीटिंग्स देता था, तुम्हें जान से प्यार करने वाला मैं ही तो हूँ, लकी। आहा, मैंने तुम्हें लकी के बारे में जो कुछ बताया था तुम वही मुझे बता रहे हो। कम ऑन, आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस, जल्दी आ जाओ, बहुत काम पड़ा है। अरविंद, मेरा एक कुरियर आने वाला था, आ गया है क्या? ओके, आई विल आस्क सिक्योरिटी। ओह विकी, बाय द वे, तुम आओ। हां सिक्योरिटी। नमस्ते सर। नमस्ते, क्या बात है सर? एक हेल्प चाहिए थी। बोलिए सर, आपके लिए कुछ भी करूंगा मैं। वेरी सिंपल, मैं ही लकी हूँ ये आपको गौरी के सामने कहना है। मैं आज तक उससे मजाक कर रहा था, ये वो समझ ही नहीं पा रही है। अभी आपको वो बात उसके सामने रखनी है। आपको बस गौरी को ये बताना है कि मैं ही लकी हूँ और मैं ही विकी हूँ। और देखो, इसे घुसा दो या फिर गोली मार दो, कुछ भी करो, नो प्रॉब्लम। लेकिन अपना वादा वापस नहीं ले सकता मैं। क्या कहा, वादा वापस नहीं ले सकते? हाँ। ये क्या कह रहे हो? चाहे मेरी जान चली जाए लेकिन आप लकी है ये बात मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगा। अच्छा, वो अब तक वो पकड़ के बैठे हो। ओके, दिया हुआ वादा वापस ले लो और गौरी को आके बता दो। मैं सत्य हरिश्चंद्र हूँ और रघुवंश का बेटा हूँ, रघुवंश का आखिरी चिराग। दिया हुआ वादा कभी वापस नहीं लेता। बे, तूने इतने बड़े बाल बढ़ा कर रखे हैं और मेरे अच्छे खासे बाल कटवा दिए, तेरी तो। ओके, देखो, अभी ये 21वीं सदी है। हाँ। अभी वादे को कोई कीमत नहीं है। गौरी के सामने बस एक बार बोल दो कि मैं ही लकी हूँ। देखिए, चाकू आपके सामने, पिस्तौल भी आपके सामने, मुझे मार डालिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं अपना वादा वापस नहीं ले सकता। देखो मिस्टर मॉडर्न हरिश्चंद्र, मैं ही लकी हूँ ये सच है ना? हाँ। तो वो सच गौरी के सामने बोल दो, समझो मेरे यार। आप समझिए, आप जो कह रहे हैं सच है, लेकिन मेरा वादा भी तो सच है, माफ कीजिएगा, अपना वादा नहीं तोड़ सकता। ये क्या हो गया यार, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। ये क्या लकी, क्या किया तूने? तेरे को अंदर बाहर दोनों तरफ नहीं खेलना चाहिए। ये छी थू कहने के अलावा आगे क्या करना है ये सोच। लकी आइडिया। देख मेरे बाप, तेरे आइडिया तेरे पास रख, लेकिन भगवान के लिए मुझे छोड़ दे। अरे वैसा नहीं, नहीं, वैसा नहीं, कोई सिनेमा का आइडिया मत देना मुझे। सिनेमा वाला आइडिया नहीं, डॉक्टर आदि। कौन सा आदि? ये आदि कौन है? हे, अरे वो मेरी आंखों का कलर चेंज करने वाला फेमस डॉक्टर है। अरे यार, तूने तो लाइफ में फर्स्ट टाइम अच्छा आइडिया दिया है। डॉक्टर आदि ने अगर आके बता दिया तो गौरी मुझे लकी समझ के सीधे मान जाएगी। यस, इन द ईयर 1952 डॉक्टर। ओ, आप लोग हैं, डॉक्टर नहीं है, क्या बात है बोलो। उनसे अर्जेंट मिलना है, वो कहाँ मिलेंगे? ओहो, डॉक्टर यहाँ कहाँ है, वो कब के ऊपर चले गए? क्या डॉक्टर ऊपर चले गए? ऊपर मतलब वो नहीं, चंद्रलोक गए हैं। चंद्रलोक गए हैं? हाँ, आपने उस दिन कहा था ना, डॉक्टर आपको यहाँ नहीं होना चाहिए, आपको तो चंद्रलोक में होना चाहिए। हमारे डॉक्टर उसे चैलेंज मानकर रिसर्च करके सक्सेस होकर चंद्रलोक में सेटल हो गए। तेरी तो, क्या करूं यार मैं, तेरे पैर ही ऐसे, जहाँ तेरे पैर जाते आदमी वहाँ से कहीं और पहुँच जाता है। अब ये डॉक्टर चंद्रलोक में चला गया है और वो घटिया साधु पता नहीं वो कहाँ पर है। साधु, साधु, साधु,
हाय लकी, सॉरी सॉरी विकी, बोलो बोलो क्या बात है? कोई बात नहीं, लकी करके ही बुलाओ। Something is wrong. सीधी सीधी बात बताओ, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? मैं ही लकी हूँ, इस बात का तुम्हारे पास कोई एविडेंस? एविडेंस? अरे तू दिमाग खराब मत कर, लकी नाम के सारे होर्डिंग्स को कलेक्ट करके लकी नाम के सलून का बोर्ड निकाल के वो सब जला दिया मैंने और उसकी राख को कावेरी नदी में बहा दिए और सर धो के आ गया। वो ए, इतना ही नहीं, उस दिन मैं सबके घर में घुस कर पेपर कलेक्ट किए, सबको जला दिया। अरे तू डर मत, मैं खुद प्रेस में गया, वहाँ के सारे एविडेंसेस को कलेक्ट करके उसको इरेज कर दिया है, तो टेंशन मत ले, तू हैप्पी है ना? नहीं 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 नहीं, वो लकी नाम का कोई भी एविडेंस हो तो मुझे चाहिए था। लकी का एविडेंस चाहिए था? एक, तूने मुझे समझ क्या रखा है? मैं तुझे कोई पागल नजर आता हूँ क्या? एक बार आता और कहता गाल पे दूंगा, सारे एविडेंस चला के खाक कर दे, और दूसरी बार आके कहता कि तुझे एविडेंस चाहिए। अबे क्या समझ रखा है तूने मुझे? ऐसा नहीं है साधु, ऐसा नहीं है वैसा नहीं, तो कैसा है? बीवी को ले जाकर अबॉर्शन करवाने के बाद बच्चा मांगेगा तो वो फिर भी दे सकती है, लेकिन ले जाके ऑपरेशन करवा देगा फिर बच्चा मांगेगा तो कहाँ से देगी वो? अबे बेवकूफ को समझ रखा तूने? साधु साधु कूल डाउन, कूल डाउन। क्या कूल, क्या कूल? देखो साधु वैसी बात नहीं है। तो क्या है? अब तुम अंदर चलो, मैं बताता हूँ। मैं नहीं आऊंगा। अरे चलो मेरे साथ आओ ना साधु भाई, आओ ना। डार्लिंग्स तुम लोग इतनी परेशान मत हो, मैं अभी आता हूँ। अरे चलो ना यार। तो ये बात है, सेकंड हाफ में तो फिर से ट्विस्ट आ गया। अरे यार तुमने तो सारे एविडेंस को जला कर रख दिया है, तेरी की सब गड़बड़ हो गई, अब क्या करें यार? नो प्रॉब्लम, डोंट वरी, मैं मर गया हूँ क्या? अरे मैं जिंदा हूँ और मैं जिंदा एविडेंस हूँ। अरे मैं खुद तुम्हारी गर्लफ्रेंड के पास जाऊंगा और उसको बोल दूंगा कि तुम ही लगी। तुम्हारी बात कौन मानेगा यार? हेलो 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 हेलो, डोंट यू अंडर एस्टिमेट मी, I am outstanding साधु। मैं क्या हूँ, मेरी कला क्या है, ये तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो। अभी मैं कोई मामूली आदमी नहीं हूँ, VIP, बड़े बड़े लोगों के सर के साथ फुटबॉल खेली है मैंने इन्हीं हाथों से। तेरी गर्लफ्रेंड को कि तू ही लकी एलियस विकी है ये कहना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मुझे मेरा सर भी मुड़ाना पड़े तो भी मैं तुम दोनों को एक करके मानूंगा। यस चलो चलते हैं। अरे चलते हैं ना, अभी चलते, चलो चलो जल्दी चलो, चलो कम। ठीक है चलो चलते, शायद हमारा काम बन जाए। गर्ल्स, इसकी गर्लफ्रेंड की प्रॉब्लम है, मैं बस यूं गया और यूं सॉल्व करके आया, तब तक तुम लोग टेक केयर। हाँ जल्दी आ जाना साधु। ओके ओके बाय बाय। साधु कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए, सब करेक्ट बता देना। डोंट वरी, जो भी बोलना है वो मैं एकदम करेक्ट कट करके बोलूंगा। डल बजाओ। क्या है? मैं ही लकी हूँ ये बात तुम मान नहीं रही हो ना? मैं ही लकी हूँ ये बात प्रूव करने के लिए मैं एक आउटस्टैंडिंग सबूत लेके आया हूँ। साधु मैडम नमस्ते। नमस्ते मैडम, मैं हूँ साधु मैडम, आउटस्टैंडिंग साधु। साधु अब ये मैं ही लकी हूँ ये बात सच बताएगा, और ये सुनकर तुम मैं खुद ही लकी नहीं हूँ बोलूंगा तो नहीं तुम ही लकी हो, तुम ही लकी हो ऐसा कहकर मेरे पीछे पड़ जाओगे। बोलो साधु। नमस्ते, मैं आउटस्टैंडिंग साधु हूँ, जिसे आप विकी 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 कह रही वो पहले लकी हुआ करता था। लकी लकी, क्या बात है? अरे सो गया क्या? अरे भाई हमको यहाँ आए 10 मिनट से ज्यादा हो गए और तुम यहाँ 10 मिनट से स्टिल खड़े हुए हो। अगर तुम कॉलिंग बेल बजाओगे तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मैं सच बताकर अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाकर सेटल हो जाऊंगा। सॉरी 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 साधु। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ओके। थोड़ा सा टाइम मिल जाए तो बस नाच गाना शुरू हो जाता है। यस विकी, मैं ही लकी हूँ ये तुम मान नहीं रही हो ना? यही प्रूव करने के लिए मैं एक आउटस्टैंडिंग सबूत लेके आया हूँ।
साधु। नमस्ते मैडम। अरे कौन कौन? अरे डरो मत, ये साधु है साधु। अब ये मैं ही लकी हूँ ये तुम्हें सच बताएगा, और ये सुनकर तुम, मैं खुद ही लकी नहीं हूँ बोलूंगा तुम। नहीं तुम ही लकी हो ऐसा बोलकर मेरे पीछे पड़ जाओगी। कम ऑन साधु। हेलो, मैं हूँ साधु, आई मीन आउटस्टैंडिंग साधु, एक्चुअली आई मीन साधु। अरे सच बोलने में डर कैसा है यार, डरो मत, सच सच बता दो, ये मेरी लाइफ का सवाल है साधु। ओके ओके मैडम, एक्चुअली हुआ क्या है कि आप इसे विकी 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 समझ रही हैं, लेकिन एक दिन ये अपने इस दोस्त के साथ मेरे सलून में आया था और मैं बिल्कुल खाली बैठा हुआ था, चेयर पे सो रहा था, तो मैंने चेयर को ऐसे घुमाई और ये बोला कि नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं करवाना, मैं वापस जा रहा हूँ। तभी वहाँ पे सब कुछ पलट गया और इसके दोस्त ने मुझे समझाया कि मैं इसका चेयर नहीं करूँ। आउटस्टैंडिंग, दो कदम आगे जा, इन स्टैंडिंग कर, उसके बाद इफेक्टिव तरीके से सब कुछ सच सच बोल दे। अरे साधु के बच्चे, जाओ अंदर जाओ, अंदर जाओ, बोल सब कुछ, सब बोल दे। आप जिसको विक्की 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 समझ रहे हैं ना, वो पहले एक दरअसल साधु वहाँ देख 420। साधु तुम ठीक हो? तुम ठीक हो ना? साधु तुझे कुछ नहीं हुआ? तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना? तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना? All right। तुम सब लोग कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? मैं यहाँ क्यों आया हूँ? और मैं हूँ कौन बताओ ना? ओह, ये कौन है? मदर पाकिजा या सिस्टर टेरेसा? आई एम वेरी सॉरी, मेमोरी लॉस, गॉन केस, मेमोरी लॉस। गो ये तू कौन है? भाई मैं हूँ भाई, आपका चेला। ए, चल जा। अरे अरे चल जा, क्या कर रहा तू मुझे? ए, चल चल। अब साधु भाई के सारे सलून्स मेरे हो गए। रोबो, अन्याय करके मेरी लाइफ को तूने खराब कर दिया ना 420। मैंने क्या जानबूझकर किया, गलती से हो गया यार। करने के लिए तेरे पास कोई काम नहीं है तो मेरी ही लाइफ के साथ खेलने का तूने काम बना लिया। मैंने तो सब कुछ भले के लिए किया था, लेकिन क्या से क्या हो गया यार, बैड लक, जाने दे लकी। सब कुछ करके अब इतनी आसानी से जाने दो बोल रहा है? सोचा था साधु अंदर जाएगा, सब कुछ इफेक्टिव तरीके से बोलेगा, लेकिन उसका ही इफेक्ट खत्म हो जाएगा, मुझे क्या पता था यार। बेचारा साधु, वो उसका सर देकर मुझे और गौरी को एक करेगा ऐसा बोला था। सर तो दे दिया बेचारे ने, लेकिन तुम दोनों को एक नहीं कर पाया। अगर मैंने तेरी बात नहीं सुनी होती तो आज मैं गौरी के साथ शादी करके हनीमून पर चला गया होता। टेंशन मत ले लकी, इसका भी एक आइडिया है मेरे पास। गलती तेरी नहीं है, तेरी बकवास सुनते आया हूँ, ये मेरी गलती है। कब से तुझे सहते जा रहा हूँ। अनंत गुप्ता रिटर्न्स होम टू एन ओवरजॉयड फैमिली। सेरेना विलियम्स। वो प्लेट कहाँ है? ये थूक। अबे ये प्लेट नहीं, गौरी ने दी हुई प्लेट। वो तो भिखारी को दे दी मैंने। अबे भिखारी को क्यों दे दी तूने? अबे तूने तो बोला था सब कुछ भिखारी को दे दो, तो मैंने दे दिया। अरे वो दिखने में कैसा था, कौन था वो? भिखारी तो भिखारी जैसा लगेगा ना, और कैसा लगेगा? सैया पक्का यही है ना, ऐसा ही दिखता है ना यार? ये हूबहू वही है, उसका चेहरा मेरे दिमाग में बिल्कुल फिट हो गया है। अगर ये नहीं मिला ना तो मिल जाएगा यार, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा।
जरा देख लो भैया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी है, कहाँ मिलेगा ये? ये देखो भाई, आप देखो, देखो भाई, आपका रिश्तेदार होगा, दोस्त होगा, जान बचाने वाला होगा, कोई तो होगा भाई, देखो ना भाई। बंद करिए सब, चल उठ। अब उस भिखारी को हम कहाँ कहाँ ढूंढेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लकी एक आइडिया है, नहीं जाने भी दे यार, जाने भी दे, बैड आइडिया था, बैड आइडिया था। अबे तेरी आइडिया सुन सुनकर मेरी जिंदगी बदल गई है, अब जो है वो बोल दे, भौंक। कुछ बोलूं क्या? भौंक ना यार। लकी एक आइडिया है, हम इसके फोटो को पेपर में छपवा देते हैं और उस पर 10,000 का इनाम रख देते हैं, कोई ना कोई खबर दे ही देगा। कैसा आइडिया है बोला, नंबर 1 आइडिया है ना, गारंटी है कि वो मिल जाएगा, गारंटी है भाई। नीचे हम अपना फोन नंबर दे देंगे। अबे पेपर में डालेगा तो फोन पर फोन आएंगे बोला था, कहाँ फोन आ रहा है? अबे थोड़ा पेशेंस कर, पेशेंस कर, बहुत जल्दबाजी है तुझे, फोन आता ही होगा। फोन आया, फोन आया, फोन आ गया। हेलो हेलो, आप भिखारी के रिश्तेदार हैं क्या? भिखारी का रिश्तेदार नहीं, मुझे भिखारी चाहिए, बोल। 10,000 कैश तो गया चेक, जैसे चाहिए वैसे दे देंगे, पहले ये बता भिखारी कहाँ पर है? मजिस्ट्रेट के पास हूँ, मैं उसे पकड़ने वाला हूँ, अब जल्दी से आ जाओ। अरे कहाँ यार, पूरा मैजिस्ट्रेट ढूंढ लिया लेकिन कहीं दिख ही नहीं रहा है। हेलो हेलो, आप भिखारी के रिश्तेदार हो? हम भिखारी के रिश्तेदार नहीं है, वो भिखारी हमें चाहिए, बोलो। 10,000 कैश देंगे या चेक? जो चाहिए वो दे देंगे, पहले वो कहाँ है ये बताओ यार। अभी पकड़ने वाला हूँ, डोनाल्ड के पास आ जाइए। हेलो हेलो, भिखारी के रिश्तेदार हो क्या? हाँ बिल्कुल, मैं उसका पति बोल रहा हूँ, वो कहाँ है बोलो। 10,000 रुपए कैश लेके सीधा मेरे पास आ जाओ, मैं तेरे हाथ में लाकर रखूंगा, वो कहाँ है बता यार। अभी तुरंत मार्केट के पास आ जाओ, मैं उसके पीछे हूँ। अरे मिल गया कि नहीं? अरे बताओ ना भाई। मेरा प्लेट, मेरा प्लेट, अरे अरे मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मेरा प्लेट छोड़ो मुझे, अरे तुम लोगों को कोई बेवकूफ बना रहा है, अरे मुझे पकड़ने से क्या मिलेगा तुम्हें, मेरे पीछे पड़े हो तुम लोग, अरे मेरा प्लेट। सच बोल रहा है, भिखारी को पकड़ के क्या मिलेगा, चल। वेस्ट है यार, अब ये क्यों, कोई हमारे साथ खेल खेल रहा है, वो मिलेगा भी नहीं, वो नहीं मिलेगा और प्लेट भी नहीं मिलेगी। हे लकी, डोंट वरी यार, वो जरूर मिलेगा, तू देखते जा, ये आइडिया कभी फेल हो ही नहीं सकता, जरूर वर्कआउट होगा। अबे तू क्यों हंस रहा है बे, मेरी फटी पड़ी है। वहां देखो, लगता है कोई तुम्हारा रिश्तेदार है। ए, अरे ये तो वही है, वो देख खड़ा वहां पर, अरे ये तो वही है। ए भाई, ए भाई, सुन सुन सुन, वो प्लेट कहां है? कौन सा प्लेट? ए याद है, मैं अपार्टमेंट में तुझे मैंने एक प्लेट दी थी, वो कहां है? हाँ, वो तो यही है। क्या ये? तेरा मुंह तोड़ दूंगा मैं सोने की प्लेट की बात कर रहा हूँ, ये वो नहीं है। अरे कल तो ठीक था ये, इसमें गरम गरम खाना भी मिलता था, लेकिन किसी कमीने ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। क्या गड़बड़ कर दी? मेरी फोटो पेपर में डलवा दी, सब बर्बाद हो गया, उसे कीड़े पड़ेंगे, भगवान उसे माफ नहीं करेगा, नहीं। उसका नाश हो जाएगा, नाश हो जाएगा, उसका नाश हो जाएगा। गौरे बाहर आ जाओ, मैं लकी आया हूँ, बाहर आ जाओ, प्लीज बाहर आ जाओ। गौरी सच में मैं लकी आया हूँ। देखो तुम इस तरह शोर मचाकर मेरी बेइज्जती मत करो, चुपचाप चले जाओ, हम सुबह बात करेंगे। अरे यार, यार मेरी लाइफ डूबी जा रही है और तुम इज्जत की बात कर रही हो। अब क्या है? एक झूठ बोलकर मैंने अपना गड्ढा खुद खोद लिया है। मैं लकी हूँ ये प्रूफ करने के लिए कोई सबूत साथ नहीं दे रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? वो सिक्योरिटी वाले को देखो, अपने आप को सत्य हरिश्चंद्र का पोता समझता है, और वो साधु, उसे वो कौन है उसे खुद नहीं पता, और वो मुझे कैसे पहचानेगा? वो आंखों का रंग चेंज करने वाला डॉक्टर बता सकता था, लेकिन वो जाके चंद्र लोक में बैठ गया है, और तुम्हारी दी हुई प्लेट में दिखाना चाहता था, तो वो प्लेट प्लेट जैसी दिखती नहीं है, तो मैं क्या करूं? गौरी तुम मेरी जान हो, गौरी मेरा यकीन करो। देखो मुझे किसी बात का सबूत नहीं चाहिए, मुझे जुजू पर पूरा यकीन है, उसके सामने मुझे कोई सबूत नहीं चाहिए। अगर तुम लकी होते तो जुजू चुप क्यों रहता?
वो तुम्हें देखते ही रिएक्ट करता, भगाता तुम्हें और तुम्हें काटता। अगर उसने तुम्हें पहचान लिया होता तो मैं मान लेती कि तुम लकी हो। बचपन में किसी ने कहा था कि कुत्ते से मेरी जान को बहुत खतरा है। मैं सोचता था मुझे कुत्ता काटेगा तो रेबीज जैसी बीमारी होगी और मैं मर जाऊंगा, लेकिन इस तरह का खतरा। उस दिन तुमने मुझे लकी नहीं हूं ऐसे पहचाना तो मैं खुद को खिलाड़ी और तुम्हें बेवकूफ समझता था। बेवकूफ तुम नहीं हो, मैं ही बेवकूफ हूँ। अगर मैं ही लकी हूँ ये तुमने पहचान लिया तो गौरी मुझसे शादी कर लेगी, इसलिए तुमने जानबूझ के नहीं पहचाना ना। खिलाड़ी है तू, खिलाड़ी है किसी लव स्टोरी में या तो कोई बाप या कोई रिश्तेदार या भाई विलन बनता है, उसके साथ झगड़ा करके पैर पकड़ के मार खा के उस लड़की को वो पा भी सकता है। लेकिन मेरी तकदीर देख बॉस, मेरी लव स्टोरी में तू ही विलन है। मैं तेरे सामने क्या कर सकता हूं? तुझे एक बात पता है, हम लड़के अगर किसी लड़की से एक बार प्यार कर लेते ना तो बात खत्म, वही सब कुछ होती है। उसकी जगह अगर बाद में ऐश्वर्या राय भी आएगी ना, पसंद नहीं आएगी। वही हमारा माइनस पॉइंट है। गौरी के लिए फिक्स हो चुका मेरा ये दिल। गौरी चाहिए ऐसे बच्चे की तरह जिद कर बैठा है, तो बता मैं क्या करूं। गौरी ही मेरी दुनिया है, गौरी के लिए तू उसकी दुनिया है, वो तेरा यकीन करेगी। तू बस एक बार गौरी के सामने मैं ही लकी हूं ये पहचान ले। मुझे देखकर भौंक, पीछा कर, चाहिए तो काट ले, तभी तो गौरी मानेगी कि मैं ही लकी हूं। प्लीज। जॉब? व्हाई? विकी ने रिजाइन कर दिया, पता है तुझे? कहाँ चला गया? विकी, कहाँ गया वो? ऐसे क्यों देख रही हो जानो? ओ, जो नहीं मिलने वाली चीज मिल जाए तो कुछ अजीब सी खुशी होती है, उस खुशी के मारे तुम बोल नहीं पा रही हो। मैं जानता हूं कि तुम मुझे बहुत चाहती हो, तुम मुझे कितना मिस करती हो ये तुम्हारी आंखों से पता चल रहा है। कितने दिनों तक अपने प्यार को दिल में छुपा कर मेरे साथ तुम खेलना चाहती हो? दिल खोल कर एक बार बोल दो ना कि मुझसे प्यार करती हो। कमॉन, तुम्हारे अंदर के प्यार को बस एक बार ओपन कर दो। ये लकी कितना लकी है ये आज प्रूव कर दो। Come on, baby. I'm sorry. मैं तुमसे प्यार नहीं करती। What? तुम बादल की तरह हो। हवा जिस तरफ जाएगी तुम उसी डायरेक्शन में चले जाओगे। मैं तुम जैसे इंसान से कैसे प्यार कर सकती हूँ? तुम मेरे दिल में थे ये सच है, लेकिन अभी नहीं हो। तुम्हें सिर्फ 2400 घंटे मुझे परेशान करके प्यार करना ही आता है, पर उसे बचाना कैसे है ये नहीं पता। प्यार करने वाले इंसान को जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, और इस मामले में विकी बिल्कुल सही है। उसने मुझे बहुत इंप्रेस किया है। विकी? हाँ, मेरा कलीग विकी। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ लकी। बाय। हाँ।
तुम कितने खुश हो ना जुजू। मैं सोचती थी सिर्फ इंसान ही स्वार्थी होते हैं, लेकिन तुम भी स्वार्थी निकले। वो क्यों लकी बनकर आया था, वो क्यों विकी बनकर आया था, ये मुझे नहीं पता। वो जिस दिन विकी बनकर आया था उसी दिन से मुझे पता था कि वो मेरा लकी है। कितने भी रूप बदल कर आएगा फिर भी प्यार करने वाला दिल तो नहीं बदल सकता है ना। लकी मेरी जिंदगी में आएगा तो मैं तुमसे कम प्यार करूंगी ऐसा सोच रहे हो, पर ऐसा नहीं होगा। तुमने सिर्फ लकी का मेरे लिए प्यार देखा है जुजू, पर मैं उससे कितना प्यार करती हूं ये तुम नहीं जानते। आओ देखो, देखो, देखो ये सब। देखो मैं इतना प्यार करती हूँ उससे। ये देखो, ये उसने मुझे फर्स्ट टाइम दिया था, और ये देखो ये उसका दिया हुआ फर्स्ट ग्रीटिंग कार्ड। We made for each other। मुझे इसकी स्माइल पसंद है, स्टाइल पसंद है, हरकतें पसंद है, आंखें पसंद है, डांस करना पसंद है। सच कहूँ तो मुझे लकी बहुत 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 पसंद है। वो हर दिन मेरा पीछा कर करके मुझे रोज, ग्रीटिंग कार्ड, चॉकलेट, वो सब देता था, और मैं उसके सामने ही उसे फेंक देती थी। लेकिन उसके जाने के बाद मैं उसे लाकर यहाँ रख देती। पर सिर्फ तुम उसे पसंद नहीं करते थे, इसीलिए मैंने उसके प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया। पता है क्यों? क्योंकि मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम हो। मेरी जिंदगी के मुश्किल दौर में तुमने मेरा साथ दिया। जब कोई नहीं था तब तुम मेरे साथ थे। अगर तुम्हारी जगह मम्मी पापा होते और वो लकी को एक्सेप्ट नहीं करते तो मैं उनकी बात कभी नहीं सुनती। पर मेरी जिंदगी में तुम्हारी बहुत अहमियत है। मुझे प्यार करने के अलावा लकी को और कुछ नहीं आता जुजू। तुम्हारे अलावा मुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करने वाला लकी है। मैं तुम्हें भी चाहती हूँ और उस लकी को भी। मैं क्या करूँ, लकी के बिना मैं जी नहीं सकती जुजू। अबे कमीने, जब भौंकने बोला था तब नहीं भौंका, अब भौंक रहा है। तेरी तो रुक, तेरी तो मेरा बात करने का मूड नहीं है, मुझे डिस्टर्ब मत करो प्लीज। मैंने कहा ना मुझे बात नहीं करनी, तुम्हें सुनाई नहीं देता। जुजू प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। मैंने कहा ना मैं लकी के बिना नहीं जी सकती। लकी मेरी जिंदगी।
जूजू अब बोलिए आप लोग मैं क्या करूं? मेरी गर्लफ्रेंड कुत्ते से प्यार करती है। हाय जूजू तू अपनी आंखें बंद कर बच्चा।